Right. But then in my analysis portion, why have I emphasized that the word may applies to recording, not to recording of confession? Bear act to kuch aur hi keh raha hai. Bear act either plain reading karo. To may record any confession or statement. May hai na? To may to yahan confession ke liye bhi hai. तो इसलिए पीटी में तो मे कन्फेशन के लिए भी है पीटी में, लेकिन ये मेन एग्जामिनेशन में आपके पास जस्टिफिकेशन होगा क्योंकि ये अब जज मेड लॉ हो गया. राइट, सिंस इट इज एन एम्फेसिस क्रिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि जब कन्फेशन होगा तो इट मस्ट बी रिकॉर्डेड. राइट, कई बार मे वर्ड ऑब्लिगेटरी होता है, कई बार मे वर्ड डायरेक्टरी नेचर का होता है. राइट, मैंडेटरी नहीं होता है. दैट इज हाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड मेनी टाइम्स. राइट, समटाइम्स मे इज ऑब्लिगेटरी, इट इज मैंडेटरी, एंड समटाइम्स द वर्ड मे सिग्निफाइज डायरेक्टरी नेचर ऑफ द इंस्ट्रक्शन, चाहे तो नहीं. राइट, तो लेकिन कन्फेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रिकॉर्डिंग इज राइट. तो फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को जस्टिफाई किया कि बेयर एक्ट में है और वो कुछ और कह रहा है, इसे ऐसे समझने की कोशिश करो. में यहां पर इसलिए लिखा हुआ है कि वेर इट अपियर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट द पर्सन इज नॉट इन सेम कंडीशन. द पर्सन इज सर सर काइंडली रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग तो चल रही है. राइट, हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जहां पर द पर्सन इज नॉट इन हिज सेम माइंड, ही इज नॉट इन हिज प्रॉपर मेंटल कंडीशन. एक्यूज्ड पर्सन की मानसिक हालात ठीक नहीं है, तो क्या वहां पर उसे कन्फेशन रिकॉर्ड करना चाहिए? वेयर द मैजिस्ट्रेट हैज मेड एन इंक्वायरी एंड एवरीथिंग सीम्स टू बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, ऐसा लगता है कि ये वॉलंटरली कन्फेशन दे रहा है, द कन्फेशन इज बीइंग गिवन वॉलंटरली, लेकिन फिर भी देर आर सर्टेन डाउट्स इन द माइंड ऑफ द मैजिस्ट्रेट. ही फील्स दैट परहैप्स देर इज सम कंपल्शन, देर इज सम कोअर्शन. राइट, देर इज समथिंग दैट इज मोटिवेटिंग द अक्यूज्ड पर्सन टू कन्फेस. It is not a voluntary confession. There he can use his power, right, and refuse to record confession. तो मैं इसलिए है यहाँ पर. तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि यहाँ पर मैं शब्द कन्फेशन के लिए नहीं लागू होता है, तो कैसे कन्फेशन के लिए? एक ऐसा कन्फेशन जो वॉलंटरली दिया जा रहा हो, एक ऐसा कन्फेशन जो बिल्कुल होशो हवास में दिया जा रहा हो, प्रॉपर मेंटल कंडीशन में, कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन नहीं है. राइट, देर इज नो ट्रॉमा, देर इज नो इनसेनिटी अटैक, कोई लुनेसी नहीं, कोई उसका पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड नहीं जो शो करता हो कि ही इज नॉट इन हिज सेंसेस. राइट, एंड दैट कैन बी सीन बाय द मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ बाय पुटिंग सम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. द मैजिस्ट्रेट कैन इजीली फाइंड इट आउट वेदर द मेंटल कंडीशन ऑफ द पर्सन इज राइट और नॉट. राइट, इफ इट इज राइट then definitely he will take the confession. So here the word confession mentioned in the first point of analysis means proper confession, confession given by a person who is in sane condition, right, who has the ability to understand questions posed by the magistrate, right, who seems to be in proper disposition also, right, proper disposition mein hai, और कोई कंपल्शन नहीं, कोई कोअर्शन नहीं, कुछ नहीं. जब वो सब कुछ से इंश्योर हो जाए और तब अगर कन्फेशन दिया जाए तो यहां पर रिकॉर्डिंग कंपल्सरी है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो किस कन्फेशन की रिकॉर्डिंग कंपल्सरी है, किस कन्फेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मे शब्द है वो कन्फेशन पर नहीं लगेगा, मतलब कि वहां पर मैजिस्ट्रेट को डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है, उसको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा. इफ द कन्फेशन इज बीइंग गिवन राइट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ
section 164, then that confession must be recorded. यहां पर जो मे है यानी कि डिस्क्रेशन है जो मैजिस्ट्रेट का वो किस हद तक है, वो इसी हद तक है राइट कि वो कन्फेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो वो रिफ्यूज कर सकता है रिकॉर्ड करने से. ही कैन रिफ्यूज टू रिकॉर्ड राइट इफ इट इज अ प्रॉपर कन्फेशन. इफ इट इज अ कन्फेशन इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ as required by section 164 and the relevant sections of evidence act, to phir theek hai. Ab ye confession agar accused dena chah raha hai, to magistrate ke paas ab koi option nahi, use ye record karna hi hoga. Rahi baat statements other than confession ki, to wahan par magistrate ke paas option hai, wo chahe to record kare. Agar use wo statement best piece of evidence lagta hai, agar use lagta hai ki this statement is really not only relevant but substantial also, right, will contribute to the case, then he will record it. Otherwise he won't record it. Sunega kaiyon ki, likhega sabki nahi, right? Sun to sabhi ki lega, lekin jo usse sabse best lagenge unhe wo record kar lega, right? Ya jiske bare mein usse pehle se input hoga ki isko prosecution witness के तौर पर प्रेजेंट करना है कोर्ट में. क्या पता पुलिस वालों ने पहले से ही डिसाइड कर रखा हो कि कितने विटनेसेस हमें रखने हैं. इसका एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस पहले ही दिया गया हुआ मैजिस्ट्रेट को, उसको ध्यान में रखते हुए मैजिस्ट्रेट चेक करेगा कि किसको अपियर कराने के लिए रखा है किसको नहीं रखा, उनकी ही रिकॉर्ड करें बाकियों के रिकॉर्ड ना करें. तो ये उसके ऊपर है राइट. लेकिन जहां तक कन्फेशन का सवाल है, कन्फेशन यहां पर जो शब्द कन्फेशन है इसके पीछे एडजेक्टिव अपने आप लगा लो, प्रॉपर कन्फेशन, कन्फेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ राइट. अगर ऐसा कन्फेशन है तो मैजिस्ट्रेट के पास कोई डिस्क्रेशन नहीं है, उसे ये रिकॉर्ड करना ही होगा राइट. ऑल कन्फेशंस मतलब प्रॉपर कन्फेशंस शुड बी रिकॉर्डेड. अ कन्फेशन मेड टू अ मैजिस्ट्रेट but not recorded by him cannot be proved at the trial by tendering the oral evidence of the magistrate right. maan lo ki ek confession magistrate ne record kar liya right, tab to theek. agar nahi record kiya aur fir bhi prosecution us confession ka zikr trial mein karta hai to prove kaise karega ki ye confession hua hai. how will the confession be proved? The fact of confession be proved and how will the content of confession be proved? दो चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी कि कन्फेशन हुआ था और दूसरा कि कन्फेशन में क्या बातें बोली गई थी. अब तो एक ही तरीका है कि मैजिस्ट्रेट विल बी कॉल्ड टू द कोर्ट बट दिस कैनॉट हैपन राइट. दिस कैनॉट हैपन. ओनली द मेमोरेंडम प्रिपेयर्ड बाई द मैजिस्ट्रेट इज एनफ. सो इट कैनॉट बी प्रूव्ड एंड अ कन्फेशन दैट कैनॉट बी प्रूव्ड इज नो यूज राइट, इज ऑफ नो यूज. It's going to be presented before the court as a substantive piece of evidence. क्या ये कहना ठीक होगा कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता? देखो यहां पर मेरे मन में एक डाउट है. I have a doubt here. Let us say that this confession was not recorded. It should have been recorded as required by law, as required by the judgment of the Supreme Court. It was not recorded, right? अब एक बात बताओ, Evidence Act में हम ऐसे confessions के बारे में भी पढ़ते हैं जो किसी भी बंदे को दिया जा सकता है. A person may give his confession to any third person also. Possible? अपने मामा जी के सामने confess कर रहा हो, अपने friends के सामने confess किया हो, किसी stranger के सामने confess किया हो, possible? इस confession को हम पढ़ते हैं extra judicial confession के रूप में राइट. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के तौर पर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? इसका एविडेंशियरी वैल्यू कितना है? बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस मानोगे या इसे वीक पीस ऑफ एविडेंस मानोगे? बहुत ही वीक एविडेंस है. सच तो यह है कि इस एविडेंस को कोरोबोरेट करना पड़ेगा दूसरे एविडेंसेस के साथ. इसे डिस्कार्ड भी नहीं करेंगे, वी विल नॉट डिस्कार्ड इट, इसे रखेंगे राइट.
क्योंकि पूरी स्टोरी को कहीं ना कहीं गैप अगर आ गया तो फिल करने में काम आ जाएगा, राइट, रखेंगे इसे हम, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो बिल्कुल नहीं, दिस इज अ वेरी वीक पीस ऑफ एविडेंस, राइट। क्यों ना हम इस कन्फेशन को एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के तौर पर एक्सेप्ट कर ले। देखिए, एनालिसिस के पहले पॉइंट में मैंने ये नहीं कहा कि ये कन्फेशन डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, मैं तो बस आपसे एक रूल डिस्कस कर रहा हूं कि ये जो कन्फेशन है इसे रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं रिकॉर्ड करने पर इसे प्रूव कैसे करोगे, हाउ विल यू प्रूव इट, राइट। लेकिन सोच लो, जस्ट थिंक वंस, इफ द मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ कम्स टू प्रूव दिस कन्फेशन, इफ द मैजिस्ट्रेट ऑफर्स हिमसेल्फ एज अ विटनेस, राइट, ही वॉज अ मैजिस्ट्रेट नॉट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, सो ही रिकॉर्डेड द कन्फेशन। अब ट्रायल चल रहा है उस मैजिस्ट्रेट के पास जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, तो ये मैजिस्ट्रेट आता है वहां पर और ऑफर करता है अपने आप को, राइट, विटनेस बॉक्स में आता है और इस कन्फेशन को प्रूव करने की कोशिश करता है। तो क्यों नहीं, वाई टू डिस्कार्ड दिस कन्फेशन, क्यों डिस्कार्ड करें, जब एक गैर को, एक अजनबी को दिया कन्फेशन हम डिस्कार्ड नहीं करते, उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का दर्जा दे देते हैं, तो क्यों ना इसे भी एक्सेप्ट कर लिया जाए एज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। चाची ऊपर जाना है अपने को, चाची जी ऊपर, चाची जी, चाची जी चले जा रहे हैं, ऊपर जाना है। आप सुन रहे हो मेरी बात, राइट। तो क्यों नहीं इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ले लें, अ कन्फेशन विच इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ 164, 164 के अनुसार जो कन्फेशन नहीं हो, राइट, जब आप वो लेते ही हो, एक अजनबी के सामने दिया गया कन्फेशन आप, राइट, एक थर्ड पर्सन के सामने दिया गया कन्फेशन आप डिस्कार्ड नहीं करते, इसे डिस्कार्ड क्यों करेंगे, राइट। तो लेट अस नॉट डिस्कार्ड इट, बट देन इट वोंट गेट द ऑनर ऑफ अ कन्फेशन दैट इज रिकॉर्डेड अंडर 164। आई होप दैट इज क्लियर। इसे वो सम्मान नहीं देंगे, वी वोंट गिव द ऑनर ऑफ जुडिशियल कन्फेशन, दो इट मे स्टिल बी यूज्ड एज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। आई होप दैट इज क्लियर, ये सब आगे क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो एक जनरल रूल हमने पढ़ लिया, एनालिसिस का लिख लिया आपने। सेकेंड पॉइंट है, अ कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल इन एविडेंस। ये तो हम जानते हैं, वी नो दिस, कन्फेशन मेड बाय अक्यूज्ड पर्सन टू पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस इफ अ पर्सन इन पुलिस कस्टडी desires to make confession, then he must do so in the presence of a judicial or metropolitan magistrate with or without jurisdiction, right? क्योंकि अगर सिर्फ पुलिस को दिया या पुलिस कस्टडी में भी दिया कन्फेशन, दोनों ही कन्फेशन रेलिवेंट ही नहीं होते हैं, एडमिसिबिलिटी की तो बात ही छोड़ दो, सिंस दे आर नॉट रेलिवेंट दे वोंट बी एडमिसिबल ईदर, राइट। So if the prosecution wants confession of an accused person to be admissible, then that confession must be given before a judicial magistrate or metropolitan magistrate. Doesn't matter whether he has jurisdiction or not. Jurisdiction hai tabhi chalega, nahi hai tabhi chalega. Next point hai, ye sab second point ka point chal raha hai, right? The magistrate shall not record confession directly. तो मैजिस्ट्रेट भी सीधा अपने कोर्ट में बुलाकर, और मैंने एक बात कल क्लैरिफाई कर दिया था कि दिस रिकॉर्डिंग शुड बी डन इन द कोर्ट इटसेल्फ, राइट, दिस रिकॉर्डिंग शुड बी डन इन द कोर्ट, सो ही विल नॉट रिकॉर्ड कन्फेशन डायरेक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वुड मेक इंक्वायरी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर द कन्फेशन इज बीइंग मेड वॉलंटरली।
तो एक छोटी सी इंक्वायरी यहां पर भी होती है राइट बिकॉज द मैजिस्ट्रेट वॉन्ट्स टू फाइंड आउट वेदर इट इज अ वॉल्यूंट्री कन्फेशन और इनवॉल्यूंट्री कन्फेशन राइट चौथा पॉइंट रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन शैल बी डन इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 281 एंड ऑल्सो इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन इस सेक्शन में जैसे लिखा हुआ है राइट कि मैजिस्ट्रेट वार्निंग देगा मैजिस्ट्रेट एक मेमो यानी एक्नोलेजमेंट भी नीचे लिखेगा कि उसने वार्निंग दी थी उसने इंक्वायरी करी थी राइट अपना सिग्नेचर वहां डालेगा तो ये तो होना ही चाहिए प्लस जो कल सेक्शन 281 सीआरपीसी में हमने पढ़ा एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड जिस तरह से किया जाता है ठीक वैसे ही राइट और याद है वहां पर हमने ये भी पढ़ा था कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में एक स्लाइट टेक्निकल डिस्टिंक्शन भी था यू रिमेम्बर वेयर इट इज रिकॉर्डेड बाय अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सब्सटेंस कैन बी रिकॉर्डेड वेयर इट इज रिकॉर्डेड बाय अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और अ कोर्ट ऑफ सेशंस इट शुड बी रिकॉर्डेड इन फुल राइट इट शुड बी रिकॉर्डेड इन फुल बट लेट मी टेल यू प्रैक्टिकली इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन फुल Right, practically it is always recorded in full and it is always recorded in the first person, that is direct narration. I karke confession record hota hai. Specific questions ke jo answer hote hain, right, wo bhi record kiye jate hain. To sab kuch sare questions likhe jayenge, sare answers likhe jayenge. Right, kaun sa confession ya kis tarah ka confession best mana jaye? Narrative form ka confession? या क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कन्फेशन ये कैसे पता चला कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो कन्फेशन होता है वो बेस्ट होता है होशो हवास में वो है या नहीं या वो अपने प्रॉपर मेंटल कंडीशन में है या नहीं ये पता करने के लिए उससे जनरल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं लेकिन गौर कीजिएगा कि कन्फेशन अलाउ किया जाता है इन द नैरेटिव फॉर्म See, if I consider the opinions of everyone, right, then I will give mine. The fact is that the magistrate is free to ask questions from the accused person, right? He will ask a question twice also, just to be sure, right? Just to be sure, not to take any risk. But the fact is, confession is taken in the narrative form. Right, confession is taken in the narrative form. Are you getting my point? The main reason behind this is that when you ask someone in question answer form regarding his confession, regarding his commission of an offense, there is a probability hai ki you will be guiding him in a particular direction. Aapko use free chhodna hoga ki wo offense ke bare mein kya bolna chahta hai. What does he want to say about himself? आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे और कहेंगे सिर्फ इसी का जवाब दो तो क्या पता आप क्वेश्चन सिर्फ उससे वही पूछें जो उसको इंक्रिमिनेट करता हो एक कन्फेशनल स्टेटमेंट में एक कहानी में ऐसी भी बातें तो हो सकती हैं जो उसके लिए एक्सकल्पेटरी हो यानी कि जो उसके फेवर में जाती हूं राइट आप अगर इंसिस्ट करोगे कि नहीं मैं जो पूछूं बस उसका जवाब दो तो ये तो तुम उसका क्रॉस कर रहे हो फिर आर यू गेटिंग माय पॉइंट सच पूछो तो आपने ही क्वेश्चन पूछ पूछ के उसे एक ऐसी दिशा दे दी कि अब ये पूरी तरह से लिबरेटेड कन्फेशन नहीं रहा सच तो ये है कि वो स्वतंत्र उन्मुक्त मस्तिष्क से उन्मुक्त विवेक से अब कन्फेशन नहीं दे रहा वो वही बेचारा बोल पा रहा जो पैरामीटर आप क्वेश्चन में सेट कर रहे आर यू गेटिंग माय पॉइंट
गलती क्या हो रही है, आप वही पैरामीटर सेट कर रहे हो और बेचारा उसी फ्रेमवर्क में रहकर आंसर दे रहा है, तो ये फ्री कन्फेशन कहां हुआ? यहां वॉलंटियरनेस की कमी आ गई। कोई भी बंदा जब अपने द्वारा किए ऑफेंस की कहानी सुनाएगा तो जरूरी थोड़ा ही है कि वो सिर्फ अपने आप को फंसाने वाली बातें ही बोले, वो अपने आप को बचाने वाली बातें भी तो बोल सकता है। जैसे कि मैं कुल्हाड़ी लेकर मोहन की तरफ दौड़ा, राइट, लेकिन साथ में ये भी तो मैं बोल सकता हूं कि मैंने देखा, राइट, आई सॉ दैट ही हैड पिक्ड अ चाइल्ड फ्रॉम द पार्क एंड ही वाज ट्राइंग टू मोलेस्ट दैट चाइल्ड। अब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अगर तुम पूछते हो तो पॉसिबल है कि क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाए जिसमें उसके पास सिर्फ इनकल्पेटरी बातें बोलने का ही मौका मिले। एक्सकल्पेटरी बातें कैसे बोलेगा तुम? तो इसलिए उसे स्वतंत्र छोड़ दो। लेट हिम बी फ्री टू से वॉट एवर ही वॉन्ट्स इन हिज कन्फेशनल स्टेटमेंट एंड देन फॉर एनी क्लैरिफिकेशन If you want to ask some questions, you can ask. तो सवाल पूछ सकता है मैजिस्ट्रेट, but for the purpose of clarification. But let me tell you, confession question answer format में नहीं होना चाहिए. It should be in the narrative format. Are you getting my point? तो वो तो आप examination of accused कर रहे हैं, मैं कन्फेशन की बात कर रहा हूं। वो तो 313 में एग्जामिनेशन आप करते हैं तो वो अलग चीज है ना। यहां तो आप उसके पास गए, मैजिस्ट्रेट के पास वो एक्यूज्ड गया ही इसलिए है कि मुझे कन्फेशन देना है। अब मेरी बात समझो, यहां पर पर्टिकुलरली एक होता है ट्रायल के समय जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस खत्म हो जाता है, देन 313 सीआरपीसी के तहत एक्यूज्ड की एग्जामिनेशन होती, तो वहां पर एक्यूज्ड के सामने प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंसेस दिए हैं वो दिखाकर कहा जाता है कि बताओ तुम्हें क्या कहना है इस बारे में, राइट, वो एक अलग चीज है। यहां पर आप एग्जामिनेशन नहीं कर रहे एक्यूज्ड का, राइट, यहां पर तो सच पूछो तो 164 के तहत मैजिस्ट्रेट के पास एक्यूज्ड जाता ही नहीं, पुलिस वाले उसे लेकर जाते ही नहीं अगर तो उसने अपनी इच्छा न जताई होती कि मैं कन्फेशन देना चाहता हूं। सपोज द अक्यूज डजंट वांट टू गिव कन्फेशन, तो 164 का जो स्टेप है आता ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई वुड द अक्यूज्ड बी ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन वेयर ही हैज हिमसेल्फ refused to give confession, right? तो यहां तो बैठा ही है कोर्ट सिर्फ कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए, तो वहां पर कोर्ट ये नहीं कह सकता उसे कि रुको मैं पूछता जाता हूं तुम बताते जाना, कितने बजे कत्ल किया? सर 11 बजे, राइट, क्या था तुम्हारे हाथ में? सर कुल्हाड़ी। अरे तो हो सकता है तुम 10 सवाल पूछ के छोड़ दो, राइट, वो बेचारा अपने डिफेंस में भी तो कुछ बातें बोल सकता था। डोंट फॉरगेट ये 164 कलेक्शन ऑफ एविडेंस चल रहा है, क्या चल रहा है? इन्वेस्टिगेशन का स्टेज है, तो एविडेंस कलेक्शन में आप वो भी एविडेंस तो कलेक्ट करोगे ना जो उसके फेवर में जाता हो। क्या पता एक्यूज्ड अपने कन्फेशन में कुछ ऐसी बातें बोल दे जो आईपीसी के जनरल एक्सेप्शंस में आ जाती हो, नहीं नहीं हो सकता ऐसा? Yes, sir. कहानी में वो लाइनें भी तो हो सकती हैं जो उस बिचारे को डिफेंस दे दे, राइट? तो इसलिए इट शुड नॉट बीन क्वेश्चन आंसर फॉर्म, राइट? आप कंफ्यूज क्यों हो गए? आपको क्यों लगा क्वेश्चन आंसर फॉर्म बढ़िया होता है? क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन वाली वो नशा वही था आपका, राइट? तो यही किसी को कहते हैं ज्यूरिस प्रूडेंस, वेयर यू हैव टू अप्लाई योर प्रूडेंस कि व्हाट विल बी मोर फ्री। क्रॉस एग्जामिनेशन एक तरह से हो गया ना, ये तो मैजिस्ट्रेट अगर कन्फेशन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगा तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, राइट? हो सकता है मैजिस्ट्रेट उससे वो सवाल पूछे ही नहीं जो उसको बचा भी सकती थी,
जबकि उसका काम यह है कि पहले तुम बोल लो जितनी बातें बोल लो। और एक बात बताऊं, पॉसिबल है कि खुद एक्यूज्ड को नहीं पता कि कुछ बातें जो मैं बोल रहा हूं वो कल को मेरे फेवर में जा सकती है, क्योंकि उसने आईपीसी का जनरल एक्सेप्शन चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, राइट। अब ये काम मैजिस्ट्रेट का है कि वो भी रिकॉर्ड करे कि ताकि कल ट्रायल के समय डिफेंस काउंसिल को उससे मदद मिले, राइट। और डिफेंस काउंसिल जनरल एक्सेप्शन के प्रूफ एविडेंस इकट्ठा करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जरूरी है ये, दिस इज नेसेसरी। सो एवरी स्टेटमेंट मे हैव इनकल्पेटरी पार्ट्स एंड एक्सकल्पेटरी पार्ट्स, लेट ऑल दोज पार्ट्स कम इन द नैरेटिव। दैट इज व्हाई इट इज गुड टू हैव अ कन्फेशन इन द नैरेटिव फॉर्म। आई होप दैट इज क्लियर, राइट। So it should be done in the manner provided in section 281 kal humne pad liya, right? Aur ab niche formula dekhiye, 1 plus 2 plus 3 plus 4, ye upar ki char cheeze agar puri ho gayi, if all the above mentioned conditions are fulfilled, 1 plus 2 plus 3 plus 4, then the confession becomes relevant and admissible in evidence. 1 2 3 4 inme se koi bhi ek agar missing hai, right, then that confession is not admissible. So for a confession to become admissible, all the above mentioned conditions must be fulfilled. Are you, this is clear? वो जज साहब बल्कि उससे क्वेश्चंस इसलिए पूछते हैं ये देखने के लिए कि वो इतना मैच्योर है कि नहीं है, उसका मैच्योरिटी टेस्ट करने के लिए। जैसे चाइल्ड विटनेस से पूछा जाता है, तो चाइल्ड विटनेस से पहले तो कई सवाल पूछे जाते हैं कि ये सवाल को समझ पा रही है, वेदर शी हैज द कॉम्प्रिहेंसिव फैकल्टीज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, राइट। तो उसके टेस्ट के लिए कि ताकि उसकी गवाही को हम रिलाई करें कि ना करें, तो वो जो सवाल पूछे जाते हैं ना छोटी बच्ची से पॉक्सो के केसेस में, वो इसलिए पूछे जाते हैं कि ताकि इस छोटी बच्ची का जो स्टेटमेंट है वो रिलायबल है कि नहीं, वेदर दैट इज। हर चाइल्ड विटनेस से पूछा जाता है, 7 साल 8 साल 12 साल का कोई बच्चा है, राइट। तो चाइल्ड विटनेस में हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कई बारी इमेजिनेटिव भी होते हैं, चिल्ड्रन कैन बी वेरी इमेजिनेटिव आल्सो, राइट। और हो सकता है कि बच्चों ने, हालांकि अगर एक बच्चा जो कि बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकता है बातों को, राइट, उसकी गवाही क्यों नहीं लें, बिल्कुल लें। Child is a competent witness also. ऐसा तो नहीं है कि child witness is not an eligible witness. But then before trusting the testimony of a child witness, we need to first of all verify whether the child is really able to understand the questions or not. Why? Because when this child has come as a witness, right, this child will be examined also. And this child will have to face the cross-examination also. Right? तो ये चाइल्ड उस लायक है कि नहीं है, पहले जज साहब खुद सवाल पूछ के ये अपनी तसल्ली करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि चिल्ड्रन आर वेरी इमेजिनेटिव आल्सो, वो काफी कल्पना भी करते रहते हैं, ठीक है। कल्पना में कहीं किसी को अननेसेसरी इम्प्लीकेट कर दिया तो फिर गलती हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो इस वजह कर पहले वो किया जाता है, और वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इंश्योर किया जा सके कि उस बच्चे को कल को क्रॉस एग्जामिनेशन भी फेस करना है। या आप में से किसी ने पूछा है, आफ्टर कन्फेशन कैन डिफेंस बी अलाउड टू प्रूव दैट कन्फेशन वाज नॉट गिवन वॉलंटरीली? यस, व्हाई नॉट? ये तो ट्रायल में बिल्कुल होगा।
कन्फेशन तो प्रूव करना पड़ेगा ना. इफ अ कन्फेशन इज गिवन देन द कन्फेशन हैज टू बी प्रूव्ड आल्सो. सो इवन इफ द मैजिस्ट्रेट इज नॉट कमिंग टू द कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग दिस कन्फेशन, द डिफेंस विल हैव द राइट टू प्रूव दैट दिस कन्फेशन वॉज नॉट गिवन वॉल्यूंटरी. अगर उसके पास एविडेंसेस हैं राइट या अगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन से ये बात एस्टैब्लिश कर सकता है तो बिल्कुल, बल्कि तो डिफेंस अपने आप को बचाने के लिए बिल्कुल करेगा राइट. लेकिन एक बात मेरी आपसे ये है, आपने ये सवाल पूछा राइट, लेकिन ये पूछने से पहले आपको ये सोचना चाहिए था कि डिफेंस को ये नौबत आएगी कब. डिफेंस को ये साबित करना पड़े कि कन्फेशन वॉज नॉट गिवन वॉलेंटरीली. ये नौबत तो तभी आएगी ना जब एक्यूज ने कन्फेशन से रिट्रैक्ट कर लिया होगा, जब एक्यूज ने कोर्ट में जाते ही कह दिया होगा कि नहीं जी नहीं, ये कन्फेशन तो मैंने दिया ही नहीं था, या ये कह दे कि इस कन्फेशन को मेरे से जबरदस्ती कराया गया था, या कह दे कि जब मैं ये कन्फेशन दे रहा था तब पुलिस वालों ने मुझे पहले ही से थ्रेटन कर दिया था कि वो मेरे बाकी घर वालों को भी जेल भेज देंगे अगर मैंने कन्फेशन नहीं किया तो राइट. ऐसा करके वो कदम पीछे हटाएगा जिसे आप बोलते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन में वो तो पहले ही कह चुका है कि दिस कन्फेशन वॉज नॉट गिवन बाई मी या इट वॉजंट गिवन वॉल्यूंटरीली राइट. तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन हो गया. अब सवाल उठता है कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन पर कितना रिलाई किया जा सकता है, वेदर द रिट्रैक्टेड कन्फेशन कैन बी रिलाइड अपॉन और नॉट राइट. तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए. डिफेंस को ये साबित करने की जरूरत ही क्या है कि कन्फेशन वॉज नॉट रिकॉर्डेड वॉलेंटरीली. उसे तो बस ये कह देना है कि इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड वॉलेंटरीली, दैट्स इट राइट. उसे बस इतना कह देना है कि मेरा कन्फेशन वॉलेंटरी नहीं था जी, बस हो गई बात. प्रूफ करने की जरूरत क्या है, केस प्रूफ करना प्रोसिक्यूशन का काम है या इसका. आप किसके सामने थे, मैजिस्ट्रेट के सामने थे, 164 में आप कहां थे, कोर्ट में खड़े थे, वहां कौन सा फियर था. अभी भी तो मैजिस्ट्रेट ही के कोर्ट में खड़े हो, अब फियर खत्म हो गया तुम्हारा, और उस दिन फियर फिर भी था. भाई पुलिस के सामने तुमने कन्फेशन दिया, वो तुमसे जबरदस्ती कराई गई, ये बात समझ में आती है. लेकिन ओपन कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने राइट, जब तुम हैंडकफ्ड भी नहीं रहे होगे, तुम उसी मैजिस्ट्रेट को उसी समय प्रोटेक्शन मांग लेते, वो मैजिस्ट्रेट तुम्हें उसी समय प्रोटेक्शन दे देता. तो तुम्हें तो राइट उस समय कोई कोर्शन थी तो तुम बताते. दूसरी बात कि चलो ठीक, तुम्हें उस वक्त नहीं कुछ समझ में आया और तुमने कन्फेशन कर दी मैजिस्ट्रेट के सामने भी, तो बाद में तुमने रिट्रैक्ट कर तो लिया. और तुम्हें यह साबित करने की जरूरत क्यों पड़ेगी यार, कन्फेशन जो है वो किसका एविडेंस है, तुम्हारा या प्रोसिक्यूशन का. तो अब प्रोसिक्यूशन करें ना साबित वॉलंटरी था, तुम क्यों साबित करोगे वॉलंटरी नहीं था. कन्फेशन मेरा एविडेंस थोड़ी था. जो बंदा एविडेंस लाता है वो साबित करेगा ना कि मेरा एविडेंस ठीक है. जो मैं फैक्ट लाऊं वो मैं साबित करूंगा. मेरे कन्फेशन को मैं यूज कर रहा हूं या प्रोसिक्यूशन कौन यूज कर रहा है. तो प्रोसिक्यूशन साबित कर, मैं तो कह दूं मैं नहीं दिया भाई, हो गया, मुझे तो इतना ही कहना है. साबित तो प्रोसिक्यूशन करेगा ना कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये वॉलंटरी था. मैं क्यों साबित करूं, मेरा एविडेंस देने का मौका अभी बाद में आएगा जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस खत्म हो जाएगा. तो जब मैंने अपने कन्फेशन से वापस ले लिया, when I have retracted from my confession, so now the prosecution won't be able to use this confession unless and until it proves that it was voluntary. Burden of proof किसका है?
कन्फेशन जो एविडेंस था वो किसका था, किसके लिए था, तो साबित कौन करेगा, मैं क्यों करूं, एक्यूज क्यों करेगा भाई, राइट एक्यूज को तो बस इतना कह देना है कि मैंने ये कन्फेशन या तो धमकी की वजह से दिया, डर के दिया या नहीं दिया, बस राइट तो जज घूमेगा प्रोसिक्यूशन की तरफ, तो प्रोसिक्यूशन कहेगा सर हम साबित कर देंगे कि ये वॉल्यूंट्री था, वेदर दिस कन्फेशन इज अ गुड कन्फेशन और नॉट इज द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ द प्रोसिक्यूशन नॉट ऑफ द अक्यूज्ड. माई कन्फेशन इज नॉट माई एविडेंस, माई कन्फेशन इज नॉट माई फैक्ट, इट इज अ फैक्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, इट इज एन एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन, सो द बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन. इसीलिए राइट आई होप ये समझ गए कि दिस क्वेश्चन राइट लीड्स टू एन एब्सर्ड रिजल्ट. आपने मेरे से पूछा कि क्या डिफेंस को अलाउ किया जाएगा कि कन्फेशन वॉल्यूंट्री नहीं था, इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब प्रोसिक्यूशन पहले ये साबित कर दे कि वॉल्यूंट्री था, पहले प्रोसिक्यूशन अपने सारे एविडेंसेस की मदद से साबित कर दे कि ये वॉल्यूंट्री था, तब एक्यूज को बेशक जरूरत पड़ेगी इस बात की कहने की कि नहीं नहीं ये वॉल्यूंट्री नहीं था, कंकॉक्टेड एविडेंस है, फैब्रिकेटेड एविडेंस है प्रोसिक्यूशन के, अदरवाइज एक्यूज्ड इन पचड़े में पड़ेगा ही क्यों, व्हाई विल द एक्यूज्ड गो इनटू दीज अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज, ही जस्ट हैज टू से नो दैट्स इट, द बर्डन विल बी शिफ्टेड ऑन द प्रोसिक्यूशन, नाउ द प्रोसिक्यूशन विल हैव टू प्रूव इट वाज अ वॉल्यूंट्री कन्फेशन, राइट इट इज अ गुड कन्फेशन, इट इज अ रिलायबल कन्फेशन, इट इज अ क्रेडिट वर्दी कन्फेशन, ये हेडेक प्रोसिक्यूशन का है, पहले वो तो कर ले अपना काम, राइट वो जब कर लेगा तब जब प्रोसिक्यूशन खत्म हो जाएगा राइट तो शुरू होता है डिफेंस एविडेंस, तो पहले ये तो देख लें कि प्रोसिक्यूशन ने क्या क्या साबित करा है, तब तो हम डिफेंस एविडेंस की नौबत लाएंगे, राइट प्रोसिक्यूशन ही अपने पैरों पे ना खड़े हो पाए तो डिफेंस को बेवजह बोलने की जरूरत क्या है, तुम पहले साबित करो कि मैंने किया है, फिर एक एक करके तुम्हारे हर एविडेंस के खिलाफ मैं अपना लाऊंगा या अपना कोई डिफेंस लाना होगा डिफेंस लाऊंगा, पहले तुम कर तो लो, देन यू आर योरसेल्फ नॉट एबल टू स्टैंड ऑन योर फूट राइट, देन आई शुड रादर रिमेन साइलेंट, तुम्हारा खुद ही प्रूफ नहीं हो पा रहा है, गौर करने की बात है कि आपको पहले प्रूफ करना, प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव इट राइट, तो इसलिए एक्यूज्ड को तो पहले सिर्फ रिट्रैक्ट कर लेना है, अपने कन्फेशन से पीछे हट जाना है, दैट्स इट, उसके बाद प्रोसिक्यूशन का हेडेक है कि प्रोसिक्यूशन साबित करे कि दिस रिट्रैक्टेड कन्फेशन इज रिलायबल और नॉट राइट, और जज को देखना है कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन के बेसिस पर आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, ये जज को देखना है राइट. इसका मौका सबसे पहले देता है एक्यूज्ड को जज, चार्जेस फ्रेम होने के बाद सबसे पहले जज एक्यूज से यही पूछता है डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट राइट, और गौर करने की बात है कि अगर वो गिल्टी प्लीड करता है तब भी जज के पास दो ऑप्शंस हैं, उसके गिल्टी प्लीड करने के बावजूद जज ट्रायल चलाए क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो जानता है कि ये गिल्टी प्लीड कर रहा है, वो जानता है कि ये कन्फेशन कर रहा है, लेकिन फिर भी वो ये सोचता है कि किसी की जिंदगी का सवाल है, इसे इंप्रिजनमेंट मिलेगी, डेथ पनिशमेंट हो सकता है राइट, लेट इट बी प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन, और ये भी हो सकता है कि जज अगर कन्विंस्ड हो जाता है उसकी कन्फेशन से तो आगे ट्रायल कराने की जरूरत ही नहीं, और अगर वो गिल्टी नहीं प्लीड करता है कन्फेशन से रिट्रैक्ट कर जाता है तो ट्रायल होगा और प्रोसिक्यूशन को मौका दिया जाएगा कि प्रोसिक्यूशन साहब आपका तो कन्फेशन हो गया रिट्रैक्ट, अब कीजिए साबित, तो प्रोसिक्यूशन का हेडेक है, एक्यूज्ड क्यों कहे कि वॉलंटरी था कि नहीं था, पहले प्रोसिक्यूशन तो अपना काम कर ले राइट.
प्रोसिक्यूशन ने अगर वॉल्यूंट्री साबित कर दिया तो हाँ बिल्कुल हाँ, फिर डिफेंस अपने गवाह लाएगा वंस द प्रोसिक्यूशन एविडेंस इज ओवर, और वो ये साबित करे कि प्रोसिक्यूशन ने जो प्रूफ किया है कि कन्फेशन वॉल्यूंट्री था वो झूठ था, फैब्रिकेटेड एविडेंस पर बेस्ड था, हम साबित करेंगे इट वॉज नॉट वॉल्यूंट्री। सो दैट स्टेज विल कम ओनली आफ्टर द प्रोसिक्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स केस, राइट। अगर प्रोसिक्यूशन पहले ही अपना केस ना एस्टैब्लिश कर पाए, प्रोसिक्यूशन फेल कर जाए, तो डिफेंस को बोलने की जरूरत क्या है, देयर इज नो नीड। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, थर्ड पॉइंट में अ मैजिस्ट्रेट हैज द डिस्क्रेशन डिस्क्रेशन टू रिकॉर्ड और नॉट टू रिकॉर्ड अ कन्फेशन, ठीक है। मैं फिर वार्निंग दे रहा हूं, he has the discretion to record or not to record a confession, but this discretion is very limited, very narrow, right? If the confession is in accordance with the provisions of law, then he must record it, right? If not, then he may or may not, chahe to nahi, right? And for this, he will do some inquiry. If he has slightest inkling, zara bhi usse bhaan hota hai, abhaas hota hai, if there is something wrong, right, with the mental capacity of this accused person or with his voluntariness, then he will refuse to record it. Right? He must comply with the provisions. तो ये उसे कंप्लाई करना पड़ेगा, प्लीज कीप राइटिंग, उसे ये सब करना पड़ेगा। क्या क्या? पहला, इट शुड बी रिकॉर्डेड एंड साइंड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 281 सीआरपीसी, ठीक है, सेक्शन 281 सीआरपीसी में है, वैसे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कल सेक्शन 281 सीआरपीसी हमने पढ़ लिया, मतलब मानकर चलो इट शुड बी रिकॉर्डेड इन फुल, राइट, फुल रिकॉर्डिंग में होगी, सब कुछ होगा। देयर आफ्टर इट शुड बी फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट कंसर्न्ड, मैजिस्ट्रेट कंसर्न्ड मतलब किसके पास, अगर तो ये मैजिस्ट्रेट नॉट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन है, राइट, तो जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है ट्राई करने का, और अगर ये मैजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन है तो भी ये उस मैजिस्ट्रेट के पास भेज देगा जिस मैजिस्ट्रेट के पास इस केस को ट्रायल के लिए जाना है, या जिस मैजिस्ट्रेट के पास इस केस को कमिटल के लिए जाना है, राइट। तो इट शुड बी फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट कंसर्न्ड। थर्ड पॉइंट है, ही शुड गिव अ स्टैट्यूटरी वार्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप स्टैट्यूटरी वार्निंग कहते हैं। ही शुड गिव अ स्टैट्यूटरी वार्निंग दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन। ही मस्ट ऑल्सो वार्न द अक्यूज्ड that his confession may be used as evidence against him. तो इसी को बोलते हैं statutory warning, इसे देना होगा कि अगर वो confession दे रहा है तो ध्यान रखे कि this confession will be used as evidence against him, और ये भी बात ध्यान रखे कि अभी भी वो चाहे तो confession से मना कर सकता है, क्योंकि confession के लिए वो bound नहीं है, he is not bound to confess, right? और गौर करने की बात है कि अगर वो कन्फेस नहीं करता है तो मैजिस्ट्रेट विल नॉट डिटेन हिम और विल पास एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन ओनली बिकॉज ही हैज रिफ्यूज टू कन्फेस, राइट। नहीं तो फिर तो फियर हो ही गया ना, वो बेचारा फिर डर के मारे इसलिए कन्फेस कर लेगा कि मैं तो फिर कहीं डिटेंशन ना कर दिया जाऊं, राइट। तो इस फियर से उसे मुक्त कर देना होगा कि भाई तुम्हें सिर्फ इसलिए कस्टडी में नहीं रखेंगे कि तुम रिफ्यूज कर रहे हो कन्फेशन से। ही शुड फर्स्ट बी सैटिस्फाइड दैट द कन्फेशन इज बीइंग मेड वॉलंटरीली, सैटिस्फाइड वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर, ही मस्ट बी सैटिस्फाइड मींस ही शुड डू प्रॉपर इंक्वायरी, राइट। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होगी, वो सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि अच्छा यू आर डूइंग इट वॉलंटरीली, नहीं, उसे और भी कुछ वेरीफाई करना होगा। ही मस्ट डू द इंक्वायरी, राइट,
for the purpose of verifying whether it is voluntary confession or involuntary confession. Right? Agla hai, he should add memorandum at the foot of the confession. Confession ke ant mein ek memorandum usse add karna padega, jisme wo apni taraf se declaration de raha hai ki usne jo formalities thi puri ki hai. He has given a statutory warning also. Right? He has made proper inquiry also. What my point? And only after proper inquiry, he has come to the conclusion that this was a voluntary confession. So he should add memorandum at the foot of the confession. Failure to comply with. Ab yahan par agar maan lo ki jo 164 ke mandatory provisions hain, compulsory provisions, agar to wo nahi follow kiye gaye या उनमें से किसी एक का ब्रीच हो जाता है, वन ऑफ देम इज ब्रीच्ड, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? सो फेलियर टू कंप्लाई विद द मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल मेक द कन्फेशनल स्टेटमेंट इन एडमिसिबल. जनरल रूल, मैंडेटरी प्रोविजंस की बात चल रही है, तो अभी जो आपने ऊपर पढ़ा ये मैंडेटरी प्रोविजंस है कि वार्निंग दिया था कि नहीं दिया था. राइट, उसे समझाया था कि नहीं समझाया था कि ही इज नॉट बाउंड टू गिव कन्फेशन, उसे बिल्कुल फियरलेस बनाया था कि नहीं बनाया था, उसे कंफर्टेबल बनाया था कि नहीं बनाया था, ये इंश्योर करना. तो दीज आर द मैंडेटरी प्रोविजंस, और अगर मैंडेटरी प्रोविजंस की कंप्लायंस नहीं होती है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इनएडमिसिबल. ये रूल है, जनरल रूल है. एग्जाम्पल देख लो. For example, it is mandatory that the confession is signed by the person confessing. ये 164 में कल हमने पढ़ा भी, ये mandatory है, it should be signed, but the magistrate omits to get it signed. Mere failure to get signature may not be very material. देखा जाए तो सिर्फ signature छूट गया, किसका? Accused का. लेकिन ये अक्यूज्ड अगर ट्रायल के समय अपनी कन्फेशन पर कायम रहता है या वो नहीं रिट्रैक्ट करता है, राइट, तब तो दिस इज नॉट अ मटीरियल इररेगुलरिटी. ये मामूली बात है. फिर भाई द वन हु मेड द कन्फेशन डज नॉट इवन रिट्रैक्ट फ्रॉम इट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन एट अ लेटर स्टेज इन द केस कैन द डिफेंस raise this objection कि this confession recorded under 164 should not be admissible, my lordship, because it wasn't signed. No, right? तो signature का ना होना बहुत material irregularity नहीं है, लेकिन ये material बन जाएगा, और सिर्फ बन ही नहीं जाएगा बल्कि it will be fatal to the prosecution. ये प्रोसिक्यूशन के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन मोस्टली इसी कन्फेशन पर रिलाई कर रहा था. हो सकता है कई ऐसे केसेस होते हैं जो कि सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पर बेस्ड होते हैं, राइट, उसमें आई विटनेसेस नहीं होते हैं, सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस होते हैं. उसमें जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है बड़ा वाइटल होता है. अगर मान लो कि सिग्नेचर नहीं है और एक्यूज्ड भी रिट्रैक्ट कर जाए कन्फेशन से, तो गया केस, राइट? सिग्नेचर नहीं है तो प्रोसिक्यूशन तो ये भी प्रूव नहीं कर पाएगा कि ये वॉल्यूंट्री था. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्यूज्ड का सिग्नेचर होना चाहिए, राइट? तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जनरली हम कह सकते हैं कि इफ सिग्नेचर ऑफ द अक्यूज्ड इज मिसिंग, राइट, वी विल बिलीव द कन्फेशनल स्टेटमेंट, वी विल बिलीव इट, बिकॉज व्हाई वुड अ मैजिस्ट्रेट राइट अ लाई, व्हाई वुड अ मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड अ फॉल्स कन्फेशनल स्टेटमेंट, राइट? बट एनीवेज दिस वुड बिकम फेटल
this would imperil the whole case of the prosecution if the accused later on retracts, right? So it will become fatal to the prosecution if the accused disputes the making of it, right? This accused कहे कि मेरा तो confession कभी लिया ही नहीं किया था. It will become inadmissible as judicial confession. तो judicial confession के रूप में तो अब वो admissible यानी कि 164 वाला confession वो नहीं है. परंतु यही मैं आपको काफी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था. But it can still be admissible as extrajudicial confession, right? Common sense लगा लो ना. अगर accused ने किसी रतन चौहान को दिया हुआ होता confession, are you getting my point? हो सकता है रतन चौहान उसकी फ्रेंड थी, एक्यूज्ड महिला ने उसके सामने कन्फेशन दिया, रतन चौहान विटनेस बॉक्स में आकर कोर्ट को बताती है कि हाँ इन्होंने मेरे सामने कन्फेस किया था बर्थडे पार्टी में जब वो आई थी 24 नवंबर को, राइट? तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है ना, yes or no? Is it extrajudicial confession? तो जब रतन चौहान को दिया गया कन्फेशन आप डिस्कार्ड नहीं करते हो, राइट? तो मैजिस्ट्रेट को भी रतन ही मान लो, क्या प्रॉब्लम? तो इसे 164 वाला कन्फेशन नहीं कहेंगे, हो गया खत्म बात. तो सेक्शन 164 में ये जो कन्फेशन होता है ये जुडिशियल कन्फेशन होता, राइट? इस जुडिशियल कन्फेशन की वैल्यू ज्यादा होती है. यह न सिर्फ एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है. इट इज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस एज वेल एज इट इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस अनलेस एंड अंटिल द एक्यूज्ड लेटर रिट्रैक्ट्स. और एक और बात बता दूं, एक्यूज्ड अगर रिट्रैक्ट भी कर जाता है तब भी इस कन्फेशन पर रिलाई किया जा सकता है. ये उतना महत्वपूर्ण कन्फेशन, राइट? तो बस अब वो महत्व नहीं रहेगा, सिंपल, अब वो वाला महत्व नहीं रहेगा. तो इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के तौर पे क्यों ना स्वीकार कर लें. लेकिन हाँ, अब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के लिए तो उस मैजिस्ट्रेट साहब को कोर्ट में आना पड़ेगा. आ जाएंगे, क्यों नहीं आ जाएंगे भाई, राइट? क्या मैजिस्ट्रेट नहीं आ सकता है कोर्ट में विटनेस बनकर? बिल्कुल आ सकता है. तो एज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग. तो इट वोंट बी डिस्कार्डेड माय डियर, लेट मी टेल यू. इफ द प्रोविजंस ऑफ 164 आर ब्रीच्ड, राइट, देन द कन्फेशन विल नॉट हैव दैट ऑनर ऑफ बीइंग अ 164 कन्फेशन, बट इट विल स्टिल बी एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, राइट, एंड कैन बी यूज्ड एज अ पीस ऑफ एविडेंस, though not a very strong piece of evidence. ठीक है. और दूसरी बात कि मान लो कि सिग्नेचर नहीं लिया, राइट, या 164 के किसी मैंडेटरी प्रोविजन का ब्रीच हो गया, लेकिन उस कन्फेशन के कॉन्सिक्वेंस में डिस्कवरी हुई है सेक्शन 127, तो फिर होगा, इट इज बिकॉज ऑफ सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट, राइट? सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट की वजह से वो बिल्कुल एडमिसिबल हो जाएगा. हाँ, जुडिशियल कन्फेशन फिर भी नहीं कहेंगे उसे. जुडिशियल कन्फेशन अपने आप में एक टर्म है जो सिर्फ 164 के कन्फेशन के लिए या विटनेस बॉक्स में दिया गया कन्फेशन के लिए होता है, राइट? और किसी के लिए आप जुडिशियल कन्फेशन का टर्म इस्तेमाल नहीं करते. तो जुडिशियल कन्फेशन नहीं होगा, लेकिन बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट फिर भी एडमिसिबल होगा, राइट? अब एक और एग्जांपल करो, आओ, देयर इज वन मोर एग्जांपल. द मैजिस्ट्रेट डज नॉट गिव वार्निंग टू द अक्यूज्ड एंड रिकॉर्ड्स हिज कन्फेशन. वार्निंग नहीं दिया है लेकिन कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया, राइट? इन दिस केस ऑल्सो द मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 164 इज ब्रीच्ड, राइट? So the confession will not enjoy the honor of being judicial confession.
but it will be relevant and admissible by Section 29 Evidence Act as extrajudicial confession, and that will require corroboration by independent evidence, right? Iski corroboration chahiye hogi. Magistrate agar aa gaye witness box mein to achhi baat hai, nahi bhi aaye lekin fir bhi aap iski corroboration kahin aur se kara le. भाई मैजिस्ट्रेट का प्रिपेयर किया हुआ कन्फेशन आपके सामने है, आप चाहो तो मैजिस्ट्रेट को बुलाओ, नहीं तो इधर इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, इंडिपेंडेंट एविडेंसेस हैं, उससे अगर ये कोरोबोरेट हो जाता है तो लेट इट बी एज अ सब्सटेंटिव एविडेंस, बट अगेन आई मस्ट से दैट इट इज नॉट अ जुडिशियल कन्फेशन. ये जुडिशियल कन्फेशन वाली अपनी इज्जत खो चुका है क्योंकि 164 वायलेट हो गया है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, लिख लिया ये? हैव यू रिटन दिस डाउन? यस सर. आगे बढ़े? यस सर. अब सिक्स्थ जो पैराग्राफ है, द सिक्स्थ पैराग्राफ is again a very beautiful concept. An accused may apply to the magistrate to get his confession or a statement recorded by the magistrate under this section. Ab let's say that the accused is not in custody, right? Wo accused custody mein nahi, maybe his enlarged on anticipatory bail, possible. तो वो कस्टडी में नहीं है या किसी भी वजह से कस्टडी में नहीं है. He was not arrested, right? Arrest भी नहीं किया गया, पुलिस वालों ने नहीं समझा उसे arrest करना जरूरी. 41A का नोटिस और accused ने investigation join भी किया तो इसलिए वो अरेस्ट नहीं हुआ. ही इज नॉट इन कस्टडी. फिर भी वो चाहता है अब कंफेस करना और इसीलिए ही डायरेक्टली गोज टू द मैजिस्ट्रेट कोर्ट, राइट? या एक तीसरा सिचुएशन, देयर इज अ थर्ड सिचुएशन आल्सो दैट द अक्यूज्ड कम्स डायरेक्टली टू द कोर्ट एंड सरेंडर्स. द पुलिस वॉज ऑन द लुकआउट, प्रोबेबली द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वॉज लुकिंग फॉर हिम, right? But he comes directly to the court and surrenders. और वहीं पर वो कोर्ट से कहता है कि मेरा कन्फेशनल स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड कर ले प्लीज. तो क्या मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा? बिल्कुल करेगा. तो an accused may apply to the magistrate to get his confession or statement recorded by the magistrate under this section. और अगर वो कस्टडी में है तो पुलिस ऑफिसर खुद ही उसे फॉरवर्ड कर देगा टू द मैजिस्ट्रेट. भाई 24 आवर्स के बाद तो वैसे भी मैजिस्ट्रेट के पास ले जाना ही होता है, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास. तो वहां पर भी इफ द अक्यूज्ड वांट्स देन ही कैन हिमसेल्फ मेक एन एप्लीकेशन, ओरल एप्लीकेशन भी कर सकता है कि सर मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, राइट? तो क्या अक्यूज्ड को राइट है कन्फेशन रिकॉर्ड करने का? हाँ बिल्कुल है. अगर वो एप्लीकेशन देता है तो मैजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करना होगा कन्फेशन. तो 164 की एप्लीकेशन एक्यूज्ड खुद भी कर सकता है बाय सरेंडरिंग हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट, राइट? और बाय कमिंग टू द कोर्ट और बाय बीइंग फॉरवर्डेड टू द कोर्ट, राइट? एनी पर्सन प्रपोज्ड और मेंशनड एज विटनेस बाय द प्रोसिक्यूशन मे अप्लाई टू द मैजिस्ट्रेट टू गेट हिज स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन. Now suppose a police officer, investigating officer, has already recorded statement of a witness X, Mr. X ka statement 161 mein record ho chuka hai, right? So if it has been reduced to writing, then there is maximum probability that his name would also be proposed as prosecution witness, yeah? Yeah, he has already been proposed as prosecution witness. The list has been supplied to the magistrate having jurisdiction.
तो क्या वो गवाह खुद से अगर उसे नहीं भी बुलाया जा रहा है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, आपको भी पता है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस वाले ही बुलाते हैं, 164 के बयान के लिए भी पुलिस वाले बुलाते हैं, राइट, मैजिस्ट्रेट की तरफ से बुलावा आ सकता है, लेकिन अभी तक नहीं आया, लेकिन मैं प्रोसिक्यूशन विटनेस हूं, राइट, माई नेम इज देयर इन द लिस्ट, और मैं चाहता हूं कि मैजिस्ट्रेट मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, तो क्या मैं खुद से कोर्ट जा सकता हूं और एप्लीकेशन लगा सकता हूं कि मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाए? बिल्कुल राइट. सो एनी पर्सन हु इज प्रपोज्ड और हु इज मेंशनड एज विटनेस बाय द प्रोसिक्यूशन मे अप्लाई टू द मैजिस्ट्रेट टू गेट हिज स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन. मतलब अगर तुम नहीं बुलाओगे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने, तो मैं खुद आ जाऊंगा और खुद अप्लाई करूंगा कि मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, और आपको करना पड़ेगा, राइट. इसका एक ही एक्सेप्शन है कि वहां पर मैजिस्ट्रेट जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाएगा और कहेगा कि ये जनाब आए हैं और कहते हैं कि हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, आप क्या कहते हो? तो अगर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कह दे कि वी आर नॉट प्रपोजिंग हिम एज, right? So if the prosecution says that sorry, we are not proposing this person as a witness, though we have recorded his statement, but as the turn off, the events have taken place, we think that he is not a good evidence, right? He won't have a good evidence with him, so we are not proposing as a witness. Then the magistrate may refuse to accept this application. So magistrate will confirm from the prosecution, because after all it is a prosecution's case. At this stage, magistrate is no one to ask the prosecution ki iski gawahi lo iski na lo. Are you getting my point? Yahan par magistrate prosecution ki facilitation ke liye hai, investigating officer ki suvidha ke liye hai, na ki obstructions ke liye, na ki usse guide karne ke liye. He is no one to guide him how to investigate. To agar ek witness खुद ही आ जाता है अभी इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में ही और मैजिस्ट्रेट से कहता है मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, तो इसके लिए मैजिस्ट्रेट पहले प्रोसिक्यूशन से कंसल्ट करेगा, और अगर तो आईओ ये कहता है कि जी हम इनको प्रपोज ही नहीं कर रहे हैं एज ए विटनेस, राइट, हम इसे विटनेस के तौर पर प्रपोज नहीं कर रहे हैं, तो मैजिस्ट्रेट फिर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करेगा. गौर करने की बात है. लेकिन लेकिन अगर मान लो ये ट्रायल का स्टेज होता, हैड इट बीन अ स्टेज ऑफ ट्रायल, राइट, और अचानक कहीं से एक विटनेस चला आता है, किसी ने नहीं बुलाया है, नोबडी हैज कॉल्ड हिम, नाइदर द प्रोसिक्यूशन विटनेस प्रोसिक्यूशन नॉर द डिफेंस नॉर द कोर्ट, और वो अचानक बड़े ड्रामेटिक एंट्री करता है और कहता है कि ठहरिए माय लॉर्ड, राइट, मुझे कुछ कहना है. यहां पर जो माय लॉर्ड है, राइट, हो सकता है उसे विटनेस बॉक्स में आने दें और हो सकता है कि उसकी गवाही ले लें. ये माय लॉर्ड का अलग प्रेरोगेटिव है, ये माय लॉर्ड का कोर्ट है. दिस इज द स्टेज ऑफ माय लॉर्ड्स ट्रायल, दिस इज नॉट इन्वेस्टिगेशन. यहां पर राजा है माय लॉर्ड, और उन्हें लगता है कि किसी केस में, राइट, एक स्ट्रेंजर विटनेस है, विटनेस नॉट नोन टू द प्रोसिक्यूशन, विटनेस नॉट नोन टू द डिफेंस, राइट, एंड टिल डेट नॉट नोन टू द कोर्ट इवन, बट स्टिल दैट पर्सन हैज टू से समथिंग, उसे कहना है कुछ, और अगर रेलिवेंट बात है कोर्ट बिल्कुल सुनेगा, क्योंकि जस्टिस इज इंपॉर्टेंट. और क्या ये पावर कोर्ट को है? बिल्कुल है. तो आप गौर करें कि इस स्टेज और स्टेज में कौन से सेक्शन में है. कैन यू सजेस्ट द सेक्शन इन विच द कोर्ट कैन एडमिट
अ विटनेस इन दिस मैनर, इसे आप कोर्ट विटनेस कहेंगे। इस तरह के गवाहों का एक अलग नाम होता है, क्या कहते हैं आप इसे? कोर्ट विटनेस, राइट। ये मैंने पहले भी कई बार बोला है, आई हैड सजेस्टेड द सेक्शन आल्सो ओरली, प्लीज टेल मी। और अभी कुछ दिनों पहले ही आई हैड मेंशन्ड दिस सेक्शन आल्सो, दैट द कोर्ट कैन कॉल अ विटनेस। 311, यस 311, ट्रू। तीन सौ ग्यारह में भाई देखिए, इन्होंने विरोध पैदा कर दी है। ये कहते हैं कि 311 नहीं है। 311 पढ़ लें क्या? यस सर। एनी कोर्ट मे एट एनी स्टेज इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग समन एनी पर्सन एज अ विटनेस, एनी पर्सन एज अ विटनेस और एग्जामिन एनी पर्सन इन अटेंडेंस दो नॉट समन्ड एज विटनेस और रिकॉल एंड री एग्जामिन एनी पर्सन ऑलरेडी एग्जामिन्ड एंड द कोर्ट शैल समन एंड एग्जामिन और रिकॉल एंड री एग्जामिन एनी सच पर्सन इफ हिज एविडेंस अपीयर्स टू बी एसेंशियल टू द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, राइट। क्या क्या है यहां पर? पहली चीज, किसी भी स्टेज पर, राइट, चाहे वो इंक्वायरी का स्टेज हो, ट्रायल का हो या एनी प्रोसीडिंग। तो एनी प्रोसीडिंग में अपील आ गया, रिवीजन आ गया, एनी प्रोसीडिंग, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी पर्सन को विटनेस के तौर पे बुलाया जा सकता है, समन, मतलब जिस विटनेस का नाम अभी तक प्रोसिक्यूशन के लिस्ट में नहीं था उसे भी बुला सकते हैं। अब अप्लाई कर दो, हो सकता है प्रोसिक्यूशन ने अप्लाई कर दिया कि सर सॉरी पहले छूट गया था, एक और विटनेस है जिसे मैं बुलाना चाहता हूं, कोर्ट की इजाजत हो तो बिल्कुल हो सकता है समन किया जा सकता। या अगर मान लो कि कोई व्यक्ति ऑलरेडी है वहां, उसे गवाह के तौर पर समन नहीं किया गया है, ये वही है जो मेरी कहानी का है विटनेस, ठहरिए माई लॉर्ड, वो वही है ना, अटेंडेंस मतलब मौजूद है, उसे बुलाया नहीं गया है और वो कोर्ट को मुखातिब होकर कहता है कि माय लॉर्डशिप मुझे कुछ कहना है, तो उसे मौका दिया जाएगा क्योंकि न्याय महत्वपूर्ण है। गौर कीजिएगा, जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, सो द पर्पस ऑफ 311 इज जस्ट डिसीजन, राइट, जस्ट यानी जस्टिस हो सके तो क्यों नहीं, राइट। तो यहां पर द जज विल नॉट कंफर्म फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन कि क्या भाई बुलाऊं कि छोड़ दूं, राइट। लेकिन 164 एक अलग स्टेज है, 164 कैसा स्टेज है? इन्वेस्टिगेशन का स्टेज, और इन्वेस्टिगेशन इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रोसिक्यूशन, पुलिस वाले का प्रेरोगेटिव है वो, वहां पर मैजिस्ट्रेट तो उसकी सहायता भर कर रहा है, बस फैसिलिटेट कर रहा है। तो अगर मान लो कि मैंने जाकर कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी कि मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, राइट, तो मैजिस्ट्रेट वहां अपनी मर्जी से नहीं करेगा जब तक कि प्रोसिक्यूशन से वो ना पूछ ले कि क्या ये आपका विटनेस है, क्या ये विटनेस आप भेजोगे कल को कोर्ट में, क्या ये आपका प्रपोज्ड विटनेस है, या क्या इस विटनेस को आपने उस लिस्ट में डाला है जो कल को आप चार्जशीट के साथ डालने वाले हो, राइट, विच यू आर गोइंग टू सबमिट अलॉन्ग विद द चार्जशीट। अगर हाँ तो ठीक है, मैं इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेता हूं, व्हाट माय पॉइंट। तो उस विटनेस का प्रपोज्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने यहां पर लिखा एनी पर्सन प्रपोज्ड या मेंशन्ड एज विटनेस बाय द प्रोसिक्यूशन मे अप्लाई टू द मैजिस्ट्रेट टू गेट हिज स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन, राइट। दस अ पर्सन अदर देन द अक्यूज्ड और विटनेस मेंशन्ड बाय द प्रोसिक्यूशन डजंट हैव द लोकस स्टैंडाई to apply to the magistrate to record his statement under this section, right? What my point? To 164 के तहत कौन apply कर सकता है for recording of statement? Accused. Accused के लिए तो बताई है 164 और दूसरा जो proposed witness है,
केस का नाम लिख लिया आपने, जोगेंद्र नाहक वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। सेवेंथ पॉइंट, कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड अंडर दिस सेक्शन कैन बी यूज्ड एज सब्सटेंटिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट्स स्टेटेड। इट कैन बी यूज्ड टू कोरोबोरेट हिज कन्फेशन इन द कोर्ट। अगर एक्यूज ने कोर्ट में भी जाके कन्फेस कर लिया, राइट, और पहले भी कन्फेस किया हुआ है, तो ये दोनों कन्फेशनल स्टेटमेंट्स एक दूसरे से मैच कर जाती हैं, तो कंसिस्टेंसी तो एस्टैब्लिश हो ही जाता है कि दैट देयर इज कंसिस्टेंसी, राइट। सो इट विल बी यूज्ड फॉर कोरोबोरेशन ऑल्सो, राइट। लेकिन अब इसी को प्रॉब्लमेटाइज करते हैं, आगे पढ़ें आप। बट सपोज एन अक्यूज्ड पर्सन कन्फेसेस बिफोर द मैजिस्ट्रेट अंडर 164, बट लेटर इन द कोर्ट ही रिट्रैक्ट्स फ्रॉम हिज कन्फेशन। बाद में वो अपने कन्फेशन से वापस आ गया, रिट्रैक्ट कर जाता है। इन सच केस हिज कन्फेशन मेड अंडर 164 वुड बी कॉल्ड रिट्रैक्टेड कन्फेशन। लिखते जाओ, इसे आप कैसा कन्फेशन कहेंगे? यू विल कॉल इट रिट्रैक्टेड कन्फेशन, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर कन्फेशन कैन बी बेस्ड ऑन द रिट्रैक्टेड कन्फेशन और नॉट। मतलब रिट्रैक्टेड कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, पहले तो ये डिसाइड करें कि वेदर इट रिमेन्स अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस और नॉट। दूसरा कि वेदर इफ इट इज एडमिटेड एज सब्सटेंटिव एविडेंस देन इज इट सो रिलायबल दैट कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑन इट, राइट, इवन दो द अक्यूज्ड पर्सन सेज दैट ही डिड नॉट कमिट द ऑफेंस, which means he is retracting from the confession. Either he says that he never confessed, or he says that at that time he was under misperceptions, right? At that time he was under some coercion, or he was laboring under some mistake, right? उसे भी लग रहा था कि sorry, मैंने किया है ये crime, लेकिन अब लगता है कि नहीं नहीं मैंने वो नहीं किया था, right? अब कभी कभी ऐसा होता भी है, कभी कभी ना ये इसलिए होता है क्योंकि वाकई मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को 3 बार चाकू से मारा और बाकायदा उसके वाइटल पार्ट्स में, चेस्ट पे मारा, स्टमक पे मारा, और वो आदमी वही अनकॉन्शियस हो गया। फिर मैंने कुछ लोगों के आने की आवाज सुनी तो वहां से भागा, और अगले दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उस आदमी की डेड बॉडी मिली है वहीं पर जहां मैं उसको छोड़कर भागा था, राइट। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ था रात को, पता नहीं वो कौन सा पागलपन छा गया था मेरे सर पर, लेकिन अब जब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा और साथ में जब मैंने न्यूज में देखा कि उसका छोटा सा बच्चा और जो पापा पापा रो रहा है, चिल्ला रहा है, मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ और मैं कोर्ट गया या पुलिस वाले के पास गया या मजिस्ट्रेट साहब के पास गया और कन्फेस किया। लेकिन जब कस्टडी में ही था तो मुझे पता चला कि एक्चुअली उसकी मौत चाकू चलाने से नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसकी मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई। फाइनली प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ डेथ वॉज स्ट्रैंगुलेशन। तो अब तो रिट्रैक्ट करूंगा ना अपनी कन्फेशन से, तब वाकई मिस्टेक में था, 3 चाकू मारे, डेड बॉडी मिली, तो मैं तो यही समझूंगा ना मैंने मारा है। लेकिन पोस्टमार्टम में ये लगा, क्योंकि पोस्टमार्टम तो साइंटिफिक एग्जामिनेशन है, वहां पर ये पता चला हो सकता है उस आदमी का कोई और एक दुश्मन हो जिसने आकर देखा हो, जो कह रहा हो बचाओ मुझे हॉस्पिटल ले चलो, उस वक्त तो अनकॉन्शियस हो गया दर्द के मारे, फिर होश आया तो उस आदमी ने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठा दे और गर्दन दबा दी उसकी, तो चेन ऑफ कॉजेशन तो टूट गया ना, आई विल बी लायबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर,
but not for murder, right? The chain of causation has broken. ये मुझे अब पता चला. इससे पहले तक I was laboring under the mistake. मैं खुद इस गलत फहमी में था, right? तो यहां पर retracted confession हुई है. तो retracted confession कभी कभी genuine भी हो सकता है. Are you getting my point? और यही वजह है कि courts भी कई बारी जब मैं guilty plead करता हूं फिर भी trial कराती है, क्योंकि ये मिस्टेक हो सकता है. ये देखना बहुत जरूरी है कि चेन ऑफ कॉजेशन टूटा था कि नहीं टूटा था. दैट हैज टू बी सीन व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ. तो यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन हमेशा ही गलत होता है, राइट? रिट्रैक्ट करना कभी कभी जेन्युइन भी हो सकता है व्हेन देयर वाज अ लेटर रियलाइजेशन that the offense that I confessed wasn't the one that I committed. I wasn't the one who committed the murder. I committed attempt to murder. So I should not be tried for murder. I should be tried for attempt to murder. So yahan par retraction bilkul sahi hai. It is justified. Right. Post-mortem report ke baad ho sakta hai kuch aisi discovery ho ki lage ki main murder ke liye nahi liable. राइट. तो कभी कभी हमारी परसेप्शन मिस परसेप्शन भी हो सकती है. आई कैन मिस परसीव माई सेल्फ एज गिल्टी वेयर एज आई मे नॉट बी गिल्टी ऑफ एग्जैक्टली दैट ऑफेंस टू विच आई हैव कन्फेस्ड. तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है एंड वेदर कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑन इट और नॉट, राइट? तो इसका जवाब आपके सामने है. लेट अस राइट द आंसर ऑल्सो. पहला पॉइंट, a retracted confession should be corroborated by independent evidences for the purpose of conviction. तो जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि क्या डिफेंस को मौका मिलेगा ये साबित करने के लिए कि ये वॉलंटरी है कि नहीं है, तो मैं कहता हूं कि डिफेंस को ये मौका देने की जरूरत क्या है जब पहले तो प्रोसिक्यूशन ही अपना केस साबित कर ले. साफ लिखा हुआ है कि अगर मैं एक्यूज्ड हूं और मैं अपने कन्फेशन से पीछे हट जाता हूं तो प्रोसिक्यूशन को अब लाना पड़ेगा. तो मुझे नहीं साबित करना कि कन्फेशन वॉल्यूंट्री था कि इनवॉल्यूंट्री था, कन्फेशन कोअर्शन था, कन्फेशन कंपल्सरी था, क्या था. मुझे ये कुछ नहीं साबित करना, प्रोसिक्यूशन साबित करेगा, राइट? तो इंडिपेंडेंट एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन को लाने पड़ेंगे. मुझे तो बस एक ही काम करना है, पलट जाना है. आई हैव टू रिट्रैक्ट फ्रॉम माई कन्फेशन, दैट्स इट, राइट? सो रिट्रैक्टेड कन्फेशन शुड बी कोरोबोरेटेड बाई इंडिपेंडेंट एविडेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ कन्विक्शन, शुड बी. ये जनरल रूल है, राइट? दिस इज नॉट रूल ऑफ लॉ, दिस इज रूल ऑफ प्रूडेंस. ये विधि का नियम नहीं है, ये सावधानी का नियम है. सावधानी का नियम यही कहता है कि जब एक एक्यूज्ड अपने कन्फेशन से पलट जाए तो प्रोसिक्यूशन का भार वापस बढ़ जाना चाहिए और प्रोसिक्यूशन को अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहिए, राइट? क्यों प्रोसिक्यूशन भला सिर्फ इसके कन्फेशन पर भरोसा कर रहा है? प्रोसिक्यूशन को अपना केस इंडिपेंडेंट एविडेंसेस से साबित करना चाहिए. द प्रोसिक्यूशन मस्ट स्टैंड ऑन इट्स ओन फीट. प्रोसिक्यूशन को अपने कदमों पर खुद खड़ा होना चाहिए, राइट? तो इसलिए, राइट, माना कि कहीं पर लॉ में ये नहीं लिखा हुआ, दिस इज नॉट रूल ऑफ लॉ, कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन को कोरोबोरेट करना जरूरी है, राइट? लेकिन कोरोबोरेट करना चाहिए, इट इज अ रूल ऑफ प्रूडेंस. तो परमानंद रेगू वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2001 का ये जजमेंट. नेक्स्ट पॉइंट, अ रिट्रैक्टेड कन्फेशन कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन if the court is satisfied that it is true and has been voluntarily made, right? to agar independent koi bhi evidence hai, ek ya ek se zyada, jo corroborate karta hai retracted confession ko, right? to it can be the basis of conviction. bilkul, jabki accused saaf keh raha hai ki maine confess nahi kiya, right?
वो अपने किए कन्फेशन से पलट रहा है, कोई बात नहीं। अगर इंडिपेंडेंट एविडेंसेस उस कन्फेशनल स्टेटमेंट को कोरोबोरेट करते हैं, यानी कि उस कन्फेशनल स्टेटमेंट में जो नैरेटिव थी और जो एविडेंसेस मिले हैं दोनों मैच कर रहे हैं, राइट, तो एक्यूज्ड के पलट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑन इट। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट दैट कन्फेशन वॉज ऑल्सो गिवन बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ रिट्रैक्शन इज बींग डन बिफोर अ मैजिस्ट्रेट or before a judge, let's say sessions judge, then the confession was also made before the court only. Ye bhi court mein, wo bhi court mein. Right. To isliye hum bilkul us pe bharosa kar sakte hain. Bas ab hum prosecution se expect karenge ki jo confessional narrative hai, us narrative ko correspond karta hua kuch aur evidences le aao, jaise discoveries le aao. Right. To example ke taur par dekho brackets mein, let's say डिस्कवरी या रिकवरी वॉज मेड इन परसुवेंस ऑफ द रिट्रैक्टेड कन्फेशन, यानी कि 164 में जिस कन्फेशन को आपने दिया जिससे अब तुम पलट गए उसी को कहते हो रिट्रैक्टेड कन्फेशन, लेकिन उस रिट्रैक्टेड कन्फेशन के बेसिस पर अगर डिस्कवरीज हो चुकी है, राइट, एक्यूज की मौजूदगी में डिस्कवरीज हो चुकी है, जहां जहां एक्यूज ने जो चीजें बताई थी वहां वो मिली है, सारे तार आपस में जुड़ रहे हैं, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? देन टू द एक्सटेंट ऑफ कोरोबोरेशन बाय डिस्कवरी द रिट्रैक्टेड कन्फेशन विल बी टेकन एज ट्रू, राइट, एंड हेंस दैट रिट्रैक्टेड कन्फेशन विल बी रिलायबल, विल बी ट्रस्टेड, राइट, बट इट इज अनसेफ टू रिलाय ऑन एंड एक्ट अपॉन रिट्रैक्टेड कन्फेशन unless upon consideration of the whole of the evidence in the case the court is in a position to infer that the confession was true. That is why, as a rule of caution and prudence, the courts insists on corroboration of retracted confession by credible independent evidences. Right, I don't need to explain this paragraph, I have already explained, so please write down. Right, asurakshit hota hai भरोसा करना रिट्रैक्टेड कन्फेशन पर जब तक कि बाकी सारे एविडेंसेस को देखकर, पूरे केस को देखकर कोर्ट ये ना इन्फर कर ले कि जो कन्फेशन है वो सच्चा है। माना कि अक्यूज्ड पलट रहा है अभी, माना कि अक्यूज्ड इज टेकिंग अ टर्न अराउंड हियर, स्टिल द कन्फेशन वॉज ट्रू, राइट, दैट इज वाई कोरोबोरेशन इज इंसिस्टेड अपॉन। तो कोरोबोरेशन जरूरी है, कोरोबोरेशन पर इंसिस्ट किया जाता है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर? I may continue till 7 today. Want a break? Then I can give you a 5-minute break. Because today I have to complete this topic. इसके बाद फिर 4 days का break आ जाएगा ना? तो ये complete करना है. 6:45 तक तो जरूर रखेंगे class को हम, so that it is completed. लिख लिया? तो rule of caution क्या कहता है? Corroboration is required. Right. अब एक बहुत अच्छी पॉइंट, गुड पॉइंट बिफोर अस। क्वेश्चन है कि मेरा कन्फेशन क्या मेरे को एक्यूज्ड के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? इस्तेमाल का मतलब एज एविडेंस, राइट? कन्फेशन मेरा है अंडर सेक्शन 164, इट वॉज मी हु हैड मेड अ कन्फेशन। इन दिस केस there are other persons also, right, who are accused. So can my confessional statement be used as an evidence against my co-accused also, right? To jawab dekhiye aapke samne hai, a confession recorded under 164 can be used against
a co-accused also. इसे co-accused के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, right? ये हम जो concept है इसे हम पढ़ेंगे with section 30, 114B and 133 of Evidence Act, right? 114B and 133 I have already done with you. 133 makes accomplice a competent witness. Section 133 simply says Evidence Act का कि जो मेरा accomplice है, यानी कि जिसने अपराध में मेरा साथ दिया, जिसने मेरे साथ मिलके अपराध किया हो, right? क्या वो मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए या गवाह बनने के लिए योग्य है, कॉम्पिटेंट है, राइट? तो सवाल था कि क्या वो कॉम्पिटेंट है, ये सवाल नहीं था कि उसके गवाही पर कितना भरोसा करें, राइट? सवाल उठता है कि क्या वो कॉम्पिटेंट है, तो आंसर है हाँ, कॉम्पिटेंट तो वो बिल्कुल है। तीन तरीके से कॉम्पिटेंट है, उसकी जो कॉम्पिटेंस है वो तीन तरीके से, ध्यान से सुनना। पहला कि जब वो सरकारी गवाह बन जाए, गौर करना कि व्हेन अ पर्सन बिकम्स अप्रूवर देन हिज नेम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एक्यूज्ड, ही बिकम्स अ विटनेस। तब वो एक्यूज नहीं रहा बल्कि वो क्या बन गया है, सिर्फ विटनेस ही बन गया। वो एकम्प्लिस तो था, राइट? ही वॉज एन एकम्प्लिस बट ही इज नॉट अ को-एक्यूज्ड, वो अप्रूवर है। तो एकम्प्लिस व्हेन ही बिकम्स अप्रूवर इज नॉट अ को-एक्यूज्ड, ठीक है? और वो एकम्प्लिस अब गवाह के तौर पर कोर्ट में पेश होगा जो अप्रूवर बन गया है, उसकी गवाही पर बहुत कम भरोसा किया जाएगा क्योंकि उसने अपने आप को बचाने के लिए, राइट, टेम्प्टेड हुआ है, इंड्यूसमेंट उसे मिली है और तो वो विटनेस बना है। तो हम उसे अभी इस डिस्कशन से बाहर करते हैं, हमें कैसे एकम्प्लिस पर आते हैं जो को एक्यूज्ड भी है। तो एक्यूज्ड वो भी है, एक्यूज्ड मैं भी हूं, तो जाहिर सी बात है कि हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ गवाही तो दे ही नहीं सकते क्योंकि गवाही देने के लिए विटनेस बॉक्स में आना पड़ेगा और वो तभी हो सकता है जब मैं खुद चाहूं 315 में अपने आप को गवाह ऑफर करूं। अदरवाइज हम दोनों तो बस अपना अपना कन्फेशन ही दे सकते हैं, जिस कन्फेशन में उसका भी रोल मेंशन कर सकते हैं। तो जब मैं कहूं कि मैं अपने सह अभियुक्त के खिलाफ गवाही दे रहा, तो वो गवाही विटनेस बॉक्स की गवाही नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि विटनेस बॉक्स में एज अ गवाह एक्यूज आ ही नहीं सकता। नोबडी कैन कंपेल एन एक्यूज टू बी अ विटनेस, राइट? वो गवाही तो तभी पॉसिबल है जब एक एक्यूज वॉलंटियरली खुद को ऑफर करे 315 सीआरपीसी में कि मैं विटनेस बनना चाहता हूं, राइट? और जो एकम्प्लिस मेरा सरकारी गवाह बन चुका है, अप्रूवर बन चुका है, वो को एक्यूज तो बनेगा ही नहीं ना, ही इज नॉट अ को एक्यूज ना, ट्रायल में तो को एक्यूज हुआ ही। अप्रूवर बनने का मतलब ही कि ही इज नॉट अ को एक्यूज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? एक बात और बता दूं, ऐसा भी होता है कि समटाइम्स अ पुलिस ऑफिसर मे इंड्यूस अ मेंबर ऑफ अ गैंग टू गिव द लीड इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए, राइट? और उसे कहता है कि मैं तुम्हें सरकारी गवाह बना दूंगा, सजा तुम्हारी कम करा दूंगा, वगैरह वगैरह, लेकिन उसे वो को एक्यूज बना देता है, मतलब उसे भी वो उस केस में एक्यूज बना देता है, तो फिर वो एक्यूज है, फिर आप उसे अप्रूवर नहीं कहेंगे,
A prover is a different concept. A person who becomes a prover is not an accused. Right? Are you getting my point? तो यहां पर बात चल रही है कि ए बी सी तीनों accused है, तो मानकर चलो कि तीनों witness box में तो आएंगे नहीं कभी. Right? तो सवाल है कि इनमें से किसी एक ने confession दिया है, तो जाहिर सी बात है कि जो उसने confessional कहानी सुनाई होगी, द स्टोरी ऑफ कन्फेशन, उसमें उसने बी और सी का भी रोल बताया होगा. राइट तो अगर ये कन्फेशन ए के खिलाफ यूज हो सकता है, तो सवाल है कि क्या ये कन्फेशन बी और सी के भी खिलाफ यूज हो सकता है? कैन इट बी यूज्ड अगेंस्ट बी एंड सी ऑल्सो? राइट तो मैंने सेक्शन 3014 बी और 133 के लिए इसलिए आपको कहा कि इसे उसके साथ पढ़ेंगे, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर कर दूं कि हु इज अ को-एक्यूज्ड और अकम्प्लिस. राइट हो सकते हैं वो अकम्प्लिस है मेरा और इसलिए वो को-एक्यूज्ड है. अकम्प्लिस हुआ होगा मे बी बिकॉज ऑफ सेक्शन 34 आईपीसी, मे बी बिकॉज ऑफ सेक्शन 149 आईपीसी, किसी एक वजह से अकम्प्लिस हो गया होगा, या अकम्प्लिस हुआ होगा 120 बी की वजह से. राइट 120 बी में कॉन्स्पिरेसी हो गई तो अकम्प्लिस हो गया मेरा वो. राइट तो वो भी मेरे साथ को एक्यूज है, मतलब इस केस में वो भी मेरे साथ है, ही इज एन एक्यूज. नाउ आई हैव गिवन अ कन्फेशनल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164. राइट तो क्या इसका इस्तेमाल मेरे को एक्यूज के खिलाफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. यस राइट अगेंस्ट मी इट इज अ वेरी गुड एविडेंस, सब्सटेंटिव एविडेंस. राइट बट वॉट अबाउट अगेंस्ट देम? इन माई कन्फेशनल स्टेटमेंट आई हैव नेम्ड टू मोर पर्सन्स. राइट बट लेट मी टेल यू, दिस कन्फेशनल स्टेटमेंट कैन बी यूज एज एन एविडेंस अगेंस्ट देम, बट फॉर एस्टैब्लिशिंग देयर गिल्ट ओनली दिस विल नॉट बी इनफ. राइट This is enough to establish my guilt. Conviction can be based solely on confession. But so far as they are concerned, right, independent evidences will be required to corroborate their involvement. So it can be used as an evidence against them also, right, but not an evidence on the basis of which conviction can be based. तो मेरे खिलाफ इसकी एविडेंशियरी वैल्यू डिफरेंट है, द वेट ऑफ एविडेंस इज डिफरेंट, उनके खिलाफ द वेट ऑफ एविडेंस विल बी डिफरेंट. राइट अ रिट्रैक्टेड कन्फेशन इज ऑफ लिटिल वैल्यू अगेंस्ट अ को-एक्यूज्ड, लेकिन अगर रिट्रैक्टेड कन्फेशन हो गया तो, राइट रिट्रैक्टेड कन्फेशन जब हो गया तब तो ये मेरे खिलाफ भी इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब ये कोरोबोरेट होगा बाय इंडिपेंडेंट एविडेंसेस. तो उनके खिलाफ तो ये पहले भी कोरोबोरेशन चाहिए थी, जब ये रिट्रैक्टेड नहीं हुआ था तो अब तो और ज्यादा मजबूत एविडेंसेस चाहिए होंगे. राइट तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन इज अ वीक एविडेंस अगेंस्ट माई सेल्फ, देन अगेंस्ट देम इट इज द वीकेस्ट एविडेंस. सो कन्फेशन कैन बी यूज्ड अगेंस्ट माई को-एक्यूज्ड पर्संस आल्सो, बट वेयर दिस कन्फेशन इज रिट्रैक्टेड इट इज ऑफ लिटिल वैल्यू अगेंस्ट माई को-एक्यूज्ड पर्संस. It is of some value against me. It is of little value or almost negligible value against them. Right? Far more than would be demanded for this sworn testimony of an accomplice on oath. Right? Matlab, far more than, matlab, very strong independent evidences would be demanded. Right? Main hu, maine confess kiya. कन्फेशन में मैंने दूसरे अपने जो कुलीग्स थे साथ में जो काम करते थे मेरे, उनके खिलाफ भी स्टेटमेंट दिया बी और सी, मैं अपनी कन्फेशन से पलट गया. राइट तो जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ ये कन्फेशन अब लगभग कोई वैल्यू नहीं रखता, इट इज यूजलेस. राइट अब अगर प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ इसको अभी भी यूज करना चाहता है तो ग्रेट डील ऑफ इंडिपेंडेंट एविडेंस to corroborate this will have to be brought. And remember, not only the story has to be corroborated,
their involvement has to be specifically corroborated. सिर्फ मेरी कहानी सच्ची हो जाए उससे नहीं बात, right? कि जो घटनाएं मैंने बोली वो सब सच निकले, नहीं, खास तौर पर उनकी इन्वॉल्वमेंट कोरोबोरेट करनी पड़ेगी, राइट? उसकी वजह क्या है, क्यों इतना हम डिमांड कर रहे हैं? बल्कि अगर रिट्रैक्ट ना किया होता तब भी कोर्ट ने डिमांड किया होता इंडिपेंडेंट एविडेंस फॉर कोरोबोरेशन. क्यों? क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं अपने ही साथ के लोगों को इनक्रिमिनेट कर रहा हूं, राइट? और सबसे बड़ी बात कि जो कन्फेशन जिससे मैंने अब रिट्रैक्ट कर लिया है, नहीं भी रिट्रैक्ट करता तो भी वो कन्फेशन ओथ पे तो नहीं दिया गया था, वो कन्फेशन किसी डर से तो नहीं दिया गया था कि कल को अगर मेरी बात झूठी निकले तो फॉल्स एविडेंस का केस चलेगा मेरे ऊपर, इंडियन ओथ एक्ट का केस चलेगा मेरे ऊपर. मतलब एट दैट टाइम आई हैड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई हेड, जो मन चाहता वो मैं बोलता, क्योंकि मेरे झूठ से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? मुझे अपने झूठ के बुरे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, तो इसलिए आई हैड नो अकाउंटेबिलिटी. और गौर कीजिएगा कि वेयर ए स्टेटमेंट इज गिवन विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, दैट स्टेटमेंट इज नॉट मच रिलायबल, स्पेशली अगेंस्ट अदर्स, दूसरों के खिलाफ अगर दिया गया है तो इसीलिए सबसे पहले तो ये देखो कि कन्फेशन में शपथ तो ली नहीं गई थी, राइट? दूसरा कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि कन्फेशन एक्यूज ने दिया होगा और एक्यूज को आप विटनेस बॉक्स में जबरदस्ती खड़े करके क्रॉस एग्जामिन कर नहीं सकते, एंड एक्यूज कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड, राइट? और तीसरी बात कि जिसने ये कन्फेशन दी थी वो अपनी कन्फेशन से पलट गया, मतलब वो अपना स्किन बचाना चाह रहा है, राइट? सो आइदर ही लाइड देन और ही हैज लाइड नाउ, या तो तब झूठा था या अब झूठ बोल रहा है. तो यहां पर आपको सुप्रीम कोर्ट ने तीन वजह बताई है कि क्यों रिट्रैक्टेड कन्फेशन पर तो बिल्कुल रिलाई नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब वो दूसरों के खिलाफ हो. एक कन्फेशन दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, को एक्यूज्ड के खिलाफ, राइट? लेकिन उसमें भी कोरोबोरेशन चाहिए था, और रिट्रैक्टेड कन्फेशन तो उनके खिलाफ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जब तक कि प्रोसिक्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एविडेंसेस ना ले आए, राइट? कि जिससे वो कोरोबोरेट हो. वजह क्या है कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन, राइट, 164 में ओथ पे नहीं लिया गया था. रिट्रैक्टेड कन्फेशन को हम क्रॉस एग्जामिनेशन से वेरीफाई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्यूज्ड को आप विटनेस बॉक्स में खड़ा कर ही नहीं सकते. और तीसरी बात कि वो अब अपना स्किन बचाने के लिए रिट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे आदमी पे कैसे भरोसा करें, कैसे समझें कि वो तब झूठ बोल रहा था कि अब झूठ बोल रहा है, राइट? एक ऐसा आदमी जिसकी बातों को अब हम डिलेमा में हैं कि ट्रुथ माने कि ना माने, इसकी बातों पर कैसे यकीन किया जाए, तो कैसे किसी और को एक्यूज के खिलाफ किस कन्फेशन का इस्तेमाल किया जाए. दैट इज वाई फुलेस्ट कोरोबोरेशन, क्या लिखा हुआ है, फुलेस्ट कोरोबोरेशन वुड बी नेसेसरी, फुलेस्ट हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंट एविडेंसेस जो कि फुलेस्ट कोरोबोरेशन कर सकें, वुड बी नेसेसरी इफ रिट्रैक्टेड कन्फेशन इज टू बी यूज्ड अगेंस्ट द कोएक्यूज्ड, राइट? दिस आंसर्स वन ऑफ योर मेन्स क्वेश्चन, वन ऑफ योर मेन्स क्वेश्चंस इज आंसर्ड हियर, राइट? सो फुलेस्ट कोरोबोरेशन वुड बी नेसेसरी इफ रिट्रैक्टेड कन्फेशन इज टू बी यूज्ड अगेंस्ट अ कोएक्यूज्ड. लिख लिए सारे पॉइंट्स? ओके, देन कैन वी हैव अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स?
It is 10 minutes past 6. We will reassemble at 20 minutes past 6. So you have a break for 10 minutes. Okay, sir.
Yeah, those who are online, can you hear me? Have you come back? Yes, sir, we can hear you. Yes. So actually, today we are going to complete section 164. But actually, my target was that within this week, we should complete the chapter of investigation. Means up till section 173. So after 164 is completed, 165, 166, 167, 170, 173. These are the important sections. And they can be done very fast because like 167 does not involve too much of discussion. 173 involves a little bit of discussion. And then 170 requires some discussion. 170 is important also. I have posted a video on YouTube also. There was a recent judgment as well. So wo jaldi ho jayega, that we can complete so that we can start our new year with a new topic, right? So hum usme trial mein ja sakte hain, right? Trial kar sakte hain. Ab to sare topics bahut aasan hai, bahut jaldi jaldi honge. So my proposal is ki kal hum online class rakh sakte hain 4:30 se. So do you agree? I won't engage 31st. I understand you two have engagements, commitments. 31st ka first ka main samajh sakta hu, but can we have class on the 30th tomorrow? Only online class. Sure, sure. So 5 PM onwards, if it's possible for. 5 PM bhi rakh sakte hain, right? Jab online hi karni hai, to 5 PM hai, to kahin bhi. Right, sir. तो ठीक है, फिर कल 5 बजे शाम को हम ऑनलाइन मिलेंगे. टुमारो नो ऑफलाइन क्लास वुड बी देयर बिकॉज द स्टाफ वांट्स लीव नाउ, अदरवाइज दे आर ऑलमोस्ट ऑन द रेबेलियस मूड. तो कल से मिलते हैं 5 बजे, कल मिलते हैं, उसके बाद फिर ब्रेक में जाते हैं. ठीक, आज ये कंप्लीट कर लेते हैं टॉपिक. तो ये तो समझ में आ गया कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन का इस्तेमाल कन्विक्शन के लिए किया जा सकता है. इट कैन बी यूज्ड फॉर कन्विक्शन, राइट, बट इंडिपेंडेंट एविडेंस फॉर कोरोबोरेशन. और सो फार एज कोएक्यूज्ड पर्संस आर कंसर्न, लिटिल वैल्यू, ऑलमोस्ट जीरो वैल्यू, वेरी हाई डिग्री ऑफ एविडेंस ऑफ इंडिपेंडेंट नेचर मस्ट बी ब्रॉट. रीजन, द कन्फेशन वॉज नॉट गिवन ऑन ओथ. That confession would never be cross-examined, and the same goes for confession also. Why do you think that confession, right, of A cannot be a very strong evidence against B, though it is a substantive evidence against B, can be used against B, but it can't be a very strong evidence against B? The same confessional statement may be enough for my conviction, but not enough for his conviction. Why? Because this confession could never be cross-examined. And there is a possibility that while I decided to confess, I decided to take revenge also, revenge on B. Ke chalo hum to dube, tumko bhi le dubenge. Right? Ye bhi ho sakta hai. Ek, 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 ye angle to hai bilkul. तो इसलिए कि भाई मैं अकेला अंदर क्यों जाऊं, मेरी चोरी के मजे, ठीक है ना, तो ठाकुर आपने भी उठाए हैं, तो मैं जाऊं अंदर तो ठाकुर तुम भी चलो अंदर. तो ये भी हो सकता है. राइट, राइट. अब लास्ट पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो अगला पैराग्राफ है, द कोरोबोरेशन शुड नॉट ओनली कंफर्म द जनरल स्टोरी ऑफ द अलेज्ड क्राइम बट मस्ट ऑल्सो कनेक्ट द कोएक्यूज्ड विद इट. दोनों बातें होनी चाहिए. जो इंडिपेंडेंट एविडेंसेस लाए जाएंगे उनसे सिर्फ जो जनरल स्टोरी है, जो मैंने कन्फेशन दी है, उसको कोरोबोरेट नहीं करना है. सिर्फ ये साबित नहीं करना कि मैंने जो कहानी बोली वो सही है, ये भी साबित करना पड़ेगा कि उस कहानी में जो किरदार के नाम लिए थे मैंने, वो वाकई उसमें थे. जैसे कि बी और सी के नाम जो मैंने लिए, तो बी और सी को कनेक्ट करने वाले एविडेंसेस भी चाहिए होंगे.
क्या पता कहानी सच्ची किरदार झूठे हों, ये भी तो हो सकता है. द स्टोरी मे बी ट्रू बट द अदर कैरेक्टर्स दैट आई नेम्ड मे नॉट बी ट्रू. अगले पॉइंट पर आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक हम कन्फेशन की बात कर रहे थे, तो 164 में दिया गया कन्फेशन इज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस. लेकिन स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, बल्कि स्टेटमेंट का ऑलमोस्ट वही फेट होगा, वही किस्मत होगी जो 161 के स्टेटमेंट की होती है. राइट, कैसी देख लेते हैं. A statement made under this section cannot be used as substantive evidence of the facts stated. जो तथ्य बोलेंगे उसका वो substantive evidence नहीं है, but it be used to support or challenge. तो एक यही फर्क आ गया बस. Section 161 का statement को तो सिर्फ contradiction के लिए use कर सकते थे ना, इसको दोनों के लिए use कर सकते हैं, for corroboration as well as for contradiction. उसकी एक वजह ये भी है ना, दिस इज गिवन बिफोर द मैजिस्ट्रेट, तो बिल्कुल निर्भय होके दिया गया होगा ऐसा प्रिज्यूम किया जा सकता है. दिस मस्ट हैव बीन गिवन विदाउट फियर इन माइंड, राइट. और दूसरा कि मे बी द मैजिस्ट्रेट हैड एडमिनिस्टर्ड ओथ. इफ द मैजिस्ट्रेट हैड एडमिनिस्टर्ड ओथ देन इट बिकम्स मोर रिलायबल. ऑल्दो देयर इज यू नो इट्स अ डबल एज्ड वेपन, ये दो धारी तलवार है, राइट. ओथ का फियर जो है, हो सकता है आगे चलकर उस विटनेस को कभी सच ना बोलने दे, वो कोर्ट में भी आकर उसी बात को रिपीट करे. ही मे रिपीट द सेम थिंग, राइट, विच ही स्टेटेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164. व्हाई? बिकॉज अर्लियर ही हैड टेकन राइट ओथ एंड गिवन द स्टेटमेंट. तो ड्यू टू द फियर दैट इफ आई retract from my statement now, if I retreat from my statement now, I would be held for giving false evidence before the magistrate under section 164, and that is why, right, I must say exactly what I stated then. I should not improvise, even if penitence or repentance, right, is there in my heart and I want to make improvements. इसीलिए पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक बात क्या कही. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट जब ले तो कोशिश करनी चाहिए कि ओथ पे नहीं ले तो अच्छा है, राइट. क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ ना, जब उसने मैजिस्ट्रेट के सामने ओथ लेकर स्टेटमेंट दिया, राइट, उसके बाद उसे जब ट्रायल के दौरान गवाह के तौर पर बुलाया गया, तो अब वो बाउंड हो गया वही रिपीट करने के लिए जो उसने पहले बोला, राइट. जबकि उसे मौका मिलना चाहिए कि अगर उसे कोई नई बात याद आ गई तो नई बात बोले, उस समय जो ओमिशन हो गया था उस ओमिशन को अभी फिल कर दे, क्योंकि जस्टिस के लिए सब कुछ जानना जरूरी है, कोर्ट के सामने सारे फैक्ट्स आने चाहिए. या उस वक्त शायद वो इन्फ्लुएंस में था लेकिन अब रिपेंटेंस की वजह से वो अपनी बात बदलना चाहता हो, लेकिन अब वो मजबूर है क्योंकि पहले ओथ लेकर बोल चुका है. अब उसे पता है कि अब मैं अगर रिट्रैक्ट करता हूं तो मुझे सजा भी मिल सकती है, फॉल्स एविडेंस की पनिशमेंट तो मिल ही सकती है, क्योंकि ओथ लेकर आप झूठ बोल रहे हैं वो भी मैजिस्ट्रेट के सामने, राइट. तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि अच्छा होगा कि ओथ नहीं लिया जाए, यू नो दैट इज मोर for the purpose of ensuring freedom of mind, right? When the witness is giving a statement, he must do so freely, right? Without any apprehension, without any kind of pressure, without any kind of influence in his mind, right? तो खैर वो आगे देख लेंगे. So a statement under this section cannot be used as substantive evidence, but it can be used to support, यानी 157 Evidence Act, और challenge, यानी 145 Evidence Act.
कैपिटल लेटर्स में जो लिखा है वो गौर से सुनना, बट वेयर द स्टेटमेंट वॉज मेड बाई एन अकम्प्लिस इट कैनॉट बी यूज टू सपोर्ट और कोरोबोरेट हिज स्टेटमेंट इन द कोर्ट बिकॉज टेंटेड एविडेंस डज नॉट लूज इट्स टेंट बाय रिपीटिशन. वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेटमेंट वॉज मेड बाई अकम्प्लिस, कौन सा अकम्प्लिस? जो अप्रूवर है. तो जो अप्रूवर होता है उसकी जो स्टेटमेंट होती है उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल न सपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है न कोरोबोरेट, मतलब एक ही बात हो गई, नहीं किया जा सकता है. वजह क्या है कि एक अकम्प्लिस जो अप्रूवर बन चुका राइट, उसके कैरेक्टर पे दाग लगा हुआ है. ही हैज अ स्टिग्मेटाइज्ड कैरेक्टर, ही हैज अ ब्लेमिश्ड कैरेक्टर, he is not a person of good character. Reason? He is giving evidence against his own people. He is not loyal. He has betrayed their trust. Right? तो ऐसा आदमी आज in order to save his own skin court से भी झूठ बोल सकता है, क्या पता story में कुछ चीजें fabricate कर सकता है ताकि ज्यादा बड़ा offense सामने वाले पे शिफ्ट हो जाए. राइट? तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं यहां पर उसके झूठ बोलने की. तो इसीलिए बड़ा अच्छा सा एक सेंटेंस बोला कोर्ट ने यहां पर कि जो एविडेंस टेंटेड है, यानी कि जिस पे दाग लगा हुआ है, वो चाहे जितनी बार रिपीट करो, कंसिस्टेंसी चाहे जो हो, वो दाग हटेगा नहीं. जब दाग लग चुका तो दाग ही रहेगा. और अप्रूवर किस अकम्प्लिस की बात मैं यहां पे कर रहा हूं? मैं उस अकम्प्लिस की बात कर रहा हूं जो अप्रूवर बन गया, यानी कि अब वो एक्यूज नहीं बना है. राइट? ये वो दागी आदमी है जो दगाबाज है, जो अपनों का नहीं हुआ, जिनके साथ मिलकर इसने बहुत सारी चोरियां की, डकैतियां की, और बेनिफिशियरी रहा उन सबका. राइट? तो टेंटेड एविडेंस है उसका. हिज एविडेंस इज अ टेंटेड एविडेंस. Right. We know that a statement made under this section cannot be used as substantive evidence, but this rule has an exception. और वो exception है Indian Evidence Act का section 18 से section 21. ये हम पढ़ चुके हैं पहले, एक बार देख चुके हैं admissions. अगर तो ये statement right एडमिशन में आ जाता है, यानी कि सेक्शन 18 से सेक्शन 21 एविडेंस एक्ट में कहीं फॉल कर जाता है राइट, और एडमिशन अमाउंट्स टू एस्टॉपल, हम जानते हैं अ फैक्ट दैट आई हैव एडमिटेड राइट, आई मस्ट नाउ अधियर टू दैट फैक्ट बिकॉज द कोर्ट विल एस्टॉप मी फ्रॉम विथड्रॉइंग और फ्रॉम रिट्रीटिंग फ्रॉम इट राइट, फ्रॉम गोइंग बैक ऑन इट, फ्रॉम रेनेजिंग ऑन इट. The court will not let me do so. This is estoppel. Doctrine of estoppel लगाते हैं admissions पर. तो अगर तो मेरे statements admissions हैं, wide section 18 to section 81 Indian Evidence Act, तो admission के रूप में, in the form of admission, they can be used as substantive evidence, right? और आपको शायद याद होगा कि हम FIR करते समय admission का topic थोड़ा पढ़ चुके हैं. बाकी तो अब सीआरपीसी के बाद एविडेंस एक्ट ही शुरू होने वाला है. दैट आई विल बी डूइंग एविडेंस एक्ट आफ्टर सीआरपीसी. तो और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना ही कि माना कि वो सब्सटैंटिव एविडेंस. तो आप गौर नहीं कर रहे कि वही सारी बातें रिपीट हो रही राइट? लेकिन करनी पड़ेंगे ना, नया सेक्शन लेकिन बात वही पुरानी. तो ये लिख लिया आपने कि अगर वो सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है तो क्या हुआ? अगर वो सेक्शन 18 से सेक्शन 21 जो एविडेंस एक्ट में है उनमें कहीं बीच में अगर फिट हो जाता हो, इफ दैट स्टेटमेंट्स दैट स्टेटमेंट फिट्स इनटू द स्कीम ऑफ सेक्शन 18 टू 21 और एनी वन ऑफ देम, देन इन द फॉर्म ऑफ एडमिशन इट कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटेंटिव एविडेंस राइट अगेंस्ट द मेकर ऑफ दैट स्टेटमेंट. राइट? वो एडमिशन होगा बट दैट एडमिशन विल बी यूज्ड अगेंस्ट द मेकर ऑफ राइट. क्वेश्चन है,
a very beautiful question here. Likh liya ye. A statement made under this section can be used to corroborate or contradict the maker in the court, or can be used as admission. सही है, ये तो अभी पढ़ चुके. Why should the court be very cautious while approaching the statement, whereas the court does not have to be cautious while approaching the statement recorded by the police? Question समझ में आया? What is the question? A statement made under this section can be used to corroborate or contradict, true, or can be used as admission also. लेकिन कोर्ट को बहुत कॉशियस रहना चाहिए इन स्टेटमेंट्स का जब इस्तेमाल हो रहा हो. द कोर्ट मस्ट बी वेरी कॉशियस. वाई? वेटेज का फर्क है, देखो इफेक्ट का फर्क है, प्रभाव का फर्क है. ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अगर प्रूव हो गया तो फिर ये कोरोबोरेशन भी करा सकता है और कॉन्ट्राडिक्शन भी करा सकता है, राइट? और एडमिशन अगर साबित हो गया तो एडमिशन के तौर पर सब्सटेंटिव एविडेंस भी बन सकता है, राइट? मतलब इसके प्रभाव गहरे होंगे. इट हैज ग्रेटर इफेक्ट. जबकि पुलिस के सामने दिया गया जो स्टेटमेंट होता है उसका एक ही इस्तेमाल तुम कर सकते हो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, राइट? और क्या हमने जब किया था सेक्शन 161 और 162, तो क्या कहीं बताया था कि वो स्टेटमेंट एडमिशन के तौर पे भी यूज हो सकता है? हाँ, FIR एडमिशन हो सकता है. मैं बात कर रहा हूं 161 में दिए गए स्टेटमेंट्स की. 161 में दिए गए स्टेटमेंट्स एडमिशन के तौर पर कभी भी सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं बन सकते, राइट? तो मतलब ये है कि 161 का जो स्टेटमेंट है वो बहुत गहरा प्रभाव नहीं डालता है अगर उसका इस्तेमाल हुआ भी कोर्ट में, राइट? तो इट इज नॉट गोइंग टू कॉज, राइट, वेरी बिग इम्पैक्ट. वो बहुत बड़ा प्रभाव नहीं डालता है, एक कॉन्ट्राडिक्ट ही करके छोड़ देता है. कुछ एक्सेप्शंस हैं उसके जो हमने किया, जैसे सेक्शन 27 वगैरह, लेकिन वैसे इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं. लेकिन इस स्टेटमेंट का इंपैक्ट गहरा हो सकता है. ये कोरोबोरेट कर सकता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, और ये एडमिशन के तौर पर एस्टॉपल भी लगा सकता है कि कल को आपको अपनी बात से पलटने भी नहीं दिया जाएगा. इट कैन अप्लाई एज एन एस्टॉपल. तो जो चीज बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकने की स्थिति में हो, द थिंग दैट कैन कॉज ग्रेटर इंपैक्ट ऑन यू, राइट, you will accept that thing with great caution or not. आप सावधानी सबसे ज्यादा कहां बरतेंगे, साइकिल चलाते हुए या ट्रक चलाते हुए? लेकिन फिर भी सावधानी का स्तर कहां ज्यादा होगा? हाथ में भरी पिस्तल लेके चले और छाता लेके चले, दोनों में से कौन सी चीज लहराते हुए चल सकते हैं? छाता वो छाता इसलिए लहराते चल सकते हैं क्योंकि किसी को लगी भी, राइट, तो ज्यादा नहीं लगेगी. लेकिन कहीं लोडेड पिस्टल लहराते हुए चल गई, राइट, सावधानी का जो कर्तव्य है वो बढ़ जाता है ना. तो अ थिंग दैट कैन कॉज ग्रेटर इंपैक्ट, राइट, शुड बी एक्सेप्टेड विथ ग्रेटर कॉशन, राइट, इट शुड बी एक्सेप्टेड विथ ग्रेटर कॉशन. इसीलिए तो बालक राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था 1974 का. द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन
that the statements of witnesses recorded under this section should be approached with caution, because such witnesses feel tied to their previous statement, right? अब हमने जैसे इन्होंने जो सजेस्ट किया आंसर, बहुत अच्छा आंसर सजेस्ट किया, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होता यूं है कि अक्सर जब विटनेस बॉक्स में आते हैं ट्रायल में, तो वो 164 वाले स्टेटमेंट से ना बंधे हुए महसूस करते हैं, क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने हो ना हो ओथ पे ले लिया होगा, बिकॉज मैजिस्ट्रेट कैन एडमिनिस्टर ओथ वाइल रिकॉर्डिंग अ स्टेटमेंट एक्यूज छोड़ के बाकी विटनेसेस का, तो ले लिया होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि चूंकि ओथ पे ले लिया है, तो अब अगर विटनेस चाह के भी अपनी बात बदलना चाहता होगा तो नहीं बदल पाएगा, डर के मारे वो अपने प्रीवियस स्टेटमेंट से बंधा हुआ महसूस कर रहा है। दे फील टाइट बिकॉज देयर स्टेटमेंट्स अंडर दिस सेक्शन वर रिकॉर्डेड ऑन ओथ, राइट, और तभी वो डरे हुए हैं, फॉल्स एविडेंस की पनिशमेंट से डरे हुए हैं। सो देयर फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर परज्योरी, परज्योरी मतलब गिविंग फॉल्स एविडेंस, झूठ बोलना कोर्ट के सामने, एंड डेयर नॉट डिपार्ट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेटमेंट, तो इसलिए अपने प्रीवियस वर्जन से उनकी हिम्मत नहीं होती पलटना, राइट, तो ऐसे में कोर्ट्स को चाहिए कि उनके दिमाग को रिलैक्स करके, राइट, कॉशियसली उनके स्टेटमेंट्स को ले, उन्हें फ्री करे कि ताकि जस्टिस प्रिवेल करे, जस्टिस बी अपहेल्ड, राइट। वो इतने बंधे हुए महसूस कर रहे अपने प्रीवियस स्टेटमेंट से कि हो सकता है कि न्याय सप्रेस्ड हो जाए फॉर द पर्पस ऑफ रिपीटिशन। अब वो मजबूर है कि यार मैं अब तो कुछ नया बोल ही नहीं सकता, जबकि हो सकता है उनके पास कुछ नया हो बोलने के लिए, लेकिन वो डरेंगे, लोग भी डरा देंगे, कह रहे पहले तुम कुछ और बोल चुके हो उठ पे, अब कुछ और बोलोगे खुद फंस जाओगे, राइट। नतीजा क्या होगा कि न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए तो जो आपने आंसर सजेस्ट किया जिसको कि मैंने इलेबोरेट कर दिया, राइट, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रीजन कुछ और दिया यहां पर कि वी शुड बी कॉशियस बिकॉज द पर्सन हु हैज कम टू अस इज नॉट फ्री, स्वतंत्र नहीं है वो, बंधा हुआ है, राइट, वेयर एज द विटनेस हु कम्स टू द कोर्ट शुड नॉट बी बाउंड, शुड नॉट बी टाइड, बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, शुड बी अनफेटर्ड, राइट। अगला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू रेगुलराइज द नॉन कंप्लायंस विथ वन और मोर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 164? वैसे तो एज अ जनरल रूल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट वेयर देयर इज नॉन कंप्लायंस विद द मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 164 देन दैट विल अमाउंट टू इनएडमिसिबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड और इनएडमिसिबिलिटी ऑफ द कन्फेशन रिकॉर्डेड, ट्रू। यहां पर एक मेरा क्वेश्चन है कि क्या इस रूल का एक्सेप्शन भी हो सकता है, क्या ऐसे भी नॉन कंप्लायंसेस हो सकते जो इररेगुलरिटी तो है लेकिन सेक्शन 463 के बदौलत उन्हें हम एक्सेप्ट कर लें, राइट, मतलब नॉन कंप्लायंस तो है, इररेगुलरिटी तो है, लेकिन क्या उसे रेगुलराइज कर सकते हैं? Even though it is an irregularity, can we regularize it? So answer hai, yes. Yesterday we did section 463 CRPC, right? Iska answer maine points mein likha hai, aap ye points dekhen. First point hai, court proceeding has commenced. Court ki prakriya aarambh ho chuki hai, shuru ho chuki hai. यानी कि इंक्वायरी चल रहा है या ट्रायल चल रहा है या अपील चल रहा है या रेफरेंस में आया है मैटर या रिवीजन चल रहा है, कुछ चल रहा है जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, राइट। दूसरा पॉइंट, कन्फेशन और स्टेटमेंट ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन रिकॉर्डेड अंडर 164 इज टेंडर्ड या प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस बिफोर द कोर्ट। 164 वाला कन्फेशन या स्टेटमेंट कोर्ट के सामने पेश किया गया है एविडेंस के तौर पर, राइट, तभी कोर्ट को पता चलता है। देन द कोर्ट फाइंड्स दैट एनी वन और मोर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ
either sections, yani 164 or 281, have not been complied with. Matlab, section 164 or 281 ka koi provision hai, manner of recording ka, right, manner of recording ki kaise record karna hai, uski violation hui hai, uski non-compliance hui hai, right. मैजिस्ट्रेट जिसने रिकॉर्ड किया उसने कंप्लाई नहीं किया राइट अब कोर्ट क्या करे व्हाट शुड द कोर्ट डू द कोर्ट मे टेक एविडेंस इन रिगार्ड टू सच नॉन कंप्लायंस राइट कोर्ट यहां पर चाहे तो एविडेंस ले ले राइट इन रिगार्ड टू सच नॉन कंप्लायंस कहने का मतलब यहां पर थोड़ी देर के लिए वो कोर्ट और बाकी काम छोड़ देगा और सिर्फ इस सब्जेक्ट पर एविडेंस लेगा कि नॉन कंप्लायंस हुई थी तो किस चीज की नॉन कंप्लायंस हुई थी नॉन कंप्लायंस वाकई हुई थी या सिर्फ दिख रहा है कि नॉन कंप्लायंस हुई थी ये क्लेरिकल मिस्टेक है या नॉन कंप्लायंस ही हुई थी भाई क्लेरिकल मिस्टेक भी हो सकता है नहीं हो सकता है कंप्लायंस पूरा हुआ लेकिन क्लेरिकल मिस्टेक हो गया हो सकता है कि मैजिस्ट्रेट ने अक्यूज्ड का सिग्नेचर लिया था लेकिन सिग्नेचर वाला पेज राइट वो फाइल में नहीं आ पाया वो दूसरी फाइल में चला गया गलती से पता नहीं क्या मिस्टेक हुआ है तो देखना पड़ेगा ना तो नॉन कंप्लायंस के विषय पर एविडेंस लिया जाएगा ये पता करने के लिए कि नॉन कंप्लायंस किस चीज का हुआ है कौन से प्रोविजन का हुआ भी है कि नहीं हुआ है क्या हुआ है राइट ताकि कोर्ट अपने आप को सेटिस्फाई कर ले किस चीज के लिए सेटिस्फाई कर ले कि जो नॉन कंप्लायंस हुआ था वो जानबूझ के किया गया था या नेग्लिजेंस है गलती से इनएडवर्टेंटली वेदर द नॉन कंप्लायंस वाज डन इनएडवर्टेंटली या इट वाज डन इंटेंशनली दूसरा कि एक्यूज ड्यूली मेड हिज कन्फेशन और स्टेटमेंट वॉज ड्यूली रिकॉर्डेड कोर्ट अपने आप को इस बात से संतुष्ट करेगी कि क्या कन्फेशन ड्यूली रिकॉर्ड हुआ था चलो ठीक है नॉन कंप्लायंस हुआ राइट सिग्नेचर नहीं लगा या मैजिस्ट्रेट ने अपना साइन छोड़ दिया ये भी हो सकता है मैजिस्ट्रेट ने मेमो बनाया नीचे खुद का ही साइन छोड़ दिया गलती से साइन नहीं किया उसने राइट कुछ भी हो सकता है तो देखना यह है कि कन्फेशन ड्यूली हुआ था कि नहीं हुआ था राइट वेदर द कन्फेशन वॉज ड्यूली मेड और नॉट रिकॉर्डिंग में गलती हो गई नॉन कंप्लायंस हो गया कन्फेशन ठीक से हुआ था कि नहीं हुआ था या स्टेटमेंट रिकॉर्ड ठीक से हुआ था कि नहीं हुआ था या स्टेटमेंट ठीक से दिया गया था कि नहीं दिया गया था चलो रिकॉर्डिंग में गलती हो गई तो देखेंगे ना क्या गलती हुई गलती सुधारी जा सकती है कि नहीं कोई ऐसी गलती है जो सुधारी जा सकती है सुधार देंगे ना वाई शुड द होल प्रोसीड्योर बी वेस्टेड Right. So the accused duly made his confession or not. The witness duly made his statement or not. The problem is with recording. The defect is in recording. But whether the statement was duly made or not, कम से कम इस बात की गवाही ले लेंगे चलो Right. Oral evidence ले लिया जाएगा Right. That the non-compliance has not injured the accused. इस बात के भी साक्ष्य लिए जाएंगे कोर्ट एविडेंसेस मांगेगा कि साबित करो कि दिस नॉन कंप्लायंस हैज नॉट कॉज्ड प्रेजुडिस राइट चलो मान लिया नॉन कंप्लायंस तो हुई है लेट अस एडमिट दैट दैट देयर इज नॉन कंप्लायंस बट वेदर दिस नॉन कंप्लायंस हैज रियली कॉज्ड एनी प्रेजुडिस टू द अक्यूज्ड और नॉट राइट इफ द अक्यूज्ड हैज बीन प्रेजुडिस हिज राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ हैज बीन प्रेजुडिस तब तो ठीक है फिर दिस नॉन कंप्लायंस इज अनफॉरगिवेबल वी कैन नॉट फॉरगिव दैट बट इफ इट इज नॉट ऑफ सच नेचर दैट द राइट ऑफ द डिफेंस ऑफ द अक्यूज्ड हैज बीन प्रेजुडिस तो क्यों हम इसे वेस्ट करें राइट और एक बात और याद है कल मैंने एक बात आपसे कही थी कि अगर डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो जाए डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर ना हो चाहे अक्यूज्ड का ना हो चाहे वो मैजिस्ट्रेट का ना हो नीचे में जो मेमो होना चाहिए मेमो गायब है राइट ऐसी ऐसी चीजों की नॉन कंप्लायंस हुई तो याद रखना कि 164 के कुछ प्रोविजंस तो मैंडेटरी है जिनकी नॉन कंप्लायंस जो है वो रेगुलराइज नहीं हो सकती लेकिन ये जो बातें मैंने कही
में सिग्नेचर की क्या जरूरत है? सिग्नेचर इसीलिए होता है ना कि ताकि ये साबित हो सके कि हाँ मैजिस्ट्रेट खुद वहां था और मैजिस्ट्रेट ने खुद कन्फेशन ली है। लेकिन इस बात को अगर ओरल एविडेंस से साबित कर लिया जाए, किसी और सेकेंडरी एविडेंस से साबित कर दिया जाए, किसी इंडिपेंडेंट एविडेंस से साबित कर दिया जाए, तो क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? राइट, सो द कोर्ट में गौर करिएगा, द कोर्ट में टेक ओरल एविडेंस इन रिगार्ड टू नॉन कंप्लायंस। हालांकि गौर करने की बात है, यहां पर एक करेक्शन कर लो, राइट, सो द कोर्ट में टेक ओरल एविडेंस, ये मैंने उस चीज के लिए लिखवाई है। इंडियन एविडेंस एक्ट सेज दैट, राइट, इंडियन एविडेंस एक्ट सेज दैट वेयर देयर इज अ डॉक्यूमेंट देन द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओनली बाय प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस। डू यू अग्री? राइट, इफ यू वॉन्ट टू प्रूव द ट्रुथ ऑफ the content of the document, then only the document must be brought to the court, and that to the original document. But in some cases where the original document cannot be produced, right, or the making of the original document cannot be shown to the court, there the court may allow oral evidence also, right, on proof of certain things. Like if you are able to prove that the document was destroyed, right? If you have proof of this, that the document was destroyed, then you can bring secondary evidence also. और यहाँ पर एक बात बता दूँ, बिल्कुल clear है यहाँ पर picture कि कुछ ऐसे भी defects हैं, जैसे कि signature का ना होना, original document का गुम हो जाना, destroy हो जाना, spoil हो जाना, etc. राइट, जो नॉन कंप्लायंस तो है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें रेगुलराइज किया जा सकता है। राइट, लेकिन शर्त यह होगी कि प्रूफ करना पड़ेगा कि दिस नॉन कंप्लायंस हैज नॉट कॉज्ड प्रेजुडिस टू द राइट ऑफ डिफेंस ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। अगर तो अक्यूज्ड ये साबित कर दे कि मैं अपना डिफेंस ठीक से प्रिपेयर ही नहीं कर पाया इसकी वजह से, राइट, मैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने डिफेंस की तैयारी करता ना, आई वुड हैव मेड प्रिपरेशन फॉर माय डिफेंस, राइट, फॉर दैट आई वुड हैव नीडेड दीज डॉक्यूमेंट्स, ट्रू, राइट। और आपको भी पता है कि इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स को पाना, रिसीव करना अलोंग विद द चार्जशीट एक्यूज्ड का राइट भी, एक्यूज्ड का है ना राइट, राइट? तो अगर ये साबित हो जाए कि एक्यूज्ड का राइट प्रेजुडिस्ड हो गया है, राइट, और याद रखना कि नॉन कंप्लायंस पे कोर्ट हमेशा प्रेज्यूम कर लेगा कि प्रेजुडिस हुआ है, बार बार एक्यूज्ड को नहीं आना हाय तौबा मचाने, ये कोर्ट की ड्यूटी है कि जैसे ही वो देखे कि देर इज नॉन कंप्लायंस तो कोर्ट प्रेज्यूम कर ले कि भाई एक्यूज्ड प्रेजुडिस हो गया होगा, अब तुम साबित करो कि एक्यूज्ड इज नॉट प्रेजुडिस। तो अगर accused की prejudice नहीं हुई है, if the accused has not been prejudiced, तब उस केस में हम क्या कर लेंगे? Section 463 लगा देंगे और इस non-compliance को non-compliance नहीं मानेंगे, regularized हो जाएगा ये, this will be regularized. I hope that is clear, right? तो ये यहां तक समझ में आ गया है। अब इसी का last example एक कर लेते हैं, with this हम आज की class खत्म कर लेंगे। ये एग्जाम्पल है, while recording the confession under section 164, some questions put to the accused were not recorded by the magistrate. हुआ क्या कि पहले तो मैजिस्ट्रेट ने accused से कहा कि जो तुम कहना चाहते हो कहो, तो he recorded the narrative, accused ने अपनी कहानी सुनाई, the story which was
reduced to writing by the magistrate. So the magistrate recorded the narrative. After that, for some clarification, for some explanation, the magistrate asked some questions from the accused person, right? And he decided not to record those questions. गौर करना, कन्फेशन की कहानी तो रिकॉर्ड कर ली, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि मैजिस्ट्रेट क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना? याद रखो, कन्फेशन नैरेटिव ही होना चाहिए, लेकिन स्पष्टीकरण के लिए सवाल भी तो पूछे जाते हैं। इंक्वायरी का स्टेज है ना ये, राइट? दिस इज द स्टेज ऑफ इंक्वायरी। तो मतलब मैजिस्ट्रेट यहां पर इंक्वायरी तो कर ही रहा है ना, वॉलंटेरिनेस है कि नहीं है इन सब चीजों की। तो यहां पर मैजिस्ट्रेट ने और जो कुछ सवाल पूछे थे ना, वो इसमें नहीं लिखा हुआ था, राइट? लेकिन एक्यूज्ड जब कोर्ट में आया तो कोर्ट में ने इसने ऑब्जेक्शन खड़ी कर दी कि जो सारे बातें जो मैंने कही थी, सारी बातें, वो सारी की सारी यहां पे नहीं है, राइट? तो बाई एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 463 इट कैन बी रेगुलराइज if by taking oral evidence or otherwise the court finds that omission had not prejudiced the defense of the accused, right? yahan par magistrate jo judge tha jahan trial chal rahi thi usne kya kiya, thodi der baaki proceedings rok kar isi baat ki evidence le li aur ensure kiya ki accused ka waqai prejudice hua tha ki nahi, right? to usne paya ki koi prejudice nahi hua tha, kyon? कि जो मैजिस्ट्रेट ने बाकी के जो सवाल पूछे थे ना, वो सिर्फ एक्सप्लेनेटरी सवाल पूछे थे। एक्सप्लेनेटरी सवाल मतलब कि उसमें एक्यूज ने एक जगह पर मान लो कि कोई ऐसी टर्म का इस्तेमाल किया था, तो मैजिस्ट्रेट ने पूछ लिया था कि अच्छा इस टर्म का क्या मतलब है, राइट? अच्छा वो तुम्हारा कौन लगता था? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड सवाल पूछ लिए, ठीक है, कि तुम्हें ये बात किससे पता चली? अच्छा वो तुम्हारे मौसा जी कहाँ? लंदन वाले मौसा जी, लंदन में रहते हैं, दुबई में रहते हैं। अब इस तरह के सवाल तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने वाले सवाल, ये रेलिवेंट भी नहीं माना गया, इंपॉर्टेंट भी नहीं माना गया। तो कोर्ट ने कहा कि उसकी नहीं भी रिकॉर्डिंग हुई है तो उससे क्या फर्क पड़ता है आपके कौन से राइट का प्रेजुडिस हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया मैजिस्ट्रेट ने, ठीक है, उस स्टेटमेंट में कुछ ऐसे सवाल पूछेगा जो उसने नहीं रिकॉर्ड करा, लेकिन ओरल एविडेंस से पता चला कि वो सवाल उतने रिलेवेंट थे भी नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं थे, और उनका इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है पूरे ट्रायल में, then what is the use of it? How will the accused say that he is prejudiced? Right? लेकिन अब मैं सारी चीजें यहां डिस्कस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि it always depends upon the facts and circumstances of each case. तो मेरा बस ये कहना है कि not all breaches make the evidence inadmissible. कुछ नॉन कंप्लायंसेज ऐसे भी होते हैं, राइट, जिन्हें आप 463 का इस्तेमाल करके रेगुलराइज कर सकते हो, राइट? अगर एक्यूज की प्रेजुडिस नहीं हुई है तो, और वो अगर हो गई तो हो गई, चलेगा, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम। उसी तरह, राइट, सिमिलरली द इरेगुलरिटी, एक और इरेगुलरिटी देख लो, वेयर कन्फेशन इज मेड इन वन लैंग्वेज एंड रिकॉर्डेड इन अनदर। इस पर भी सवाल खड़ा हो गया ट्रायल में कि हमने बोला तमिल था, रिकॉर्ड हो गया यहां तेलुगु में, राइट? तो भी यहां पर कोर्ट ने कहा कि ये क्यूरेबल डिफेक्ट है, दिस इज अ क्यूरेबल डिफेक्ट, राइट? बाय टेकिंग ओरल एविडेंस वी कैन क्योर इट, राइट? नॉट एन इश्यू। अब एक और बात है, सिमिलरली the defect of failure to give warning to the accused before recording his confession can be cured by application of section 29 evidence act read with section 463 crpc. yaad hai magistrate ko 164 mein chetavani deni hai ki suno bhai agar tum confession doge to pehle to jaan lo ki tum badhya nahi ho, abhi bhi chaho to na do, dusri baat ki doge to tumhare khilaf ise hum एविडेंस के तौर पर आगे इस्तेमाल करेंगे, राइट? तो ये वार्निंग दी नहीं गई, दिस वार्निंग वाज नॉट गिवन, कोई बात नहीं, दिस इज अ क्यूरेबल डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को
463 से क्योर किया जा सकता है। क्योंकि यू नो इवन दिस इज नॉट गोइंग टू प्रेजुडिस द अक्यूज्ड बाय ही कैन रिट्रैक्ट फ्रॉम इट डजंट ही हैव द ऑप्शन ऑफ रिट्रैक्टिंग अब डिस्कवरी होगी हो तो रिट्रैक्ट करके भी क्या फायदा है सच्चाई की जीत होनी चाहिए ना राइट बात यहां पर यह कि उसे वार्निंग नहीं मिली तो नहीं मिली अगर डिस्कवरी हो गया है राइट अगर उसके बेसिस पर डिस्कवरी हो चुकी है तो क्यों नहीं माना जाए उसे सच रिट्रैक्ट करता है तो कर ले दूसरी बात कि ये रिट्रैक्ट तो कर ही सकता था इसके पास रिट्रैक्ट करने का ऑप्शन तो था ही तो प्रेजुडिस कैसे हो गया वो या तो ये कहे कि नहीं मैं रिट्रैक्ट कर रहा हूं कन्फेशन से तब ना प्रेजुडिस की बात पैदा भी होती व्हेन ही हैज नॉट रिट्रैक्टेड राइट देन हाउ इज इट अ प्रेजुडिस और चलो मान लो रिट्रैक्ट कर जाता है सपोज ही रिट्रैक्ट राइट तब भी ये क्यूरेबल डिफेक्ट इवन देन इट इज अ क्यूरेबल डिफेक्ट राइट 463 की एप्लीकेशन से इसे क्योर किया जा सकता है वो कैसे तो अब सवाल पूछे जा सकते हैं अब ओरल एविडेंस लिया जा सकता है नाउ द ओरल एविडेंस कैन बी टेकन राइट नाउ ही हैज द ऑप्शन ऑफ रिट्रैक्टिंग चाहे तो अब कर ले रिट्रैक्ट तो इट इज अ क्यूरेबल डिफेक्ट हियर ऑल आई हैव टू प्रूव इज राइट और दूसरी बात की मान लो कि प्रोसिक्यूशन के पास डिस्कवर्ड आइटम्स हैं राइट तो सिर्फ इसलिए कि चेतावनी नहीं मिली थी अरे चेतावनी नहीं मिली थी लेकिन चोर तो तुम निकले ना और इसका क्या किया जाए हर इज हिटिंग माय पॉइंट व्हाट मस्ट प्रिवेल ट्रुथ मस्ट प्रिवेल और टेक्निकलिटी मस्ट प्रिवेल राइट तुम्हें नहीं पता था कि तुम जो कन्फेस करोगे वो तुम्हारे खिलाफ एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल होगा तो क्या सिर्फ इसलिए तुम्हें सजा ना दें तब तो फिर इंडिया में 99% लोगों को लॉ नहीं पता है तो सबको छोड़ दें फिर इग्नोरेंस ऑफ लॉ तो वही बात हो गई ना इग्नोरेंस ऑफ ए स्टैट्यूटरी वार्निंग इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑल्सो ना मैजिस्ट्रेट को ये वार्निंग देना है ये कानून में लिखा है तो कानून तो सबको पता होना चाहिए राइट तो माना मैजिस्ट्रेट ने वार्निंग नहीं दी तो कानून तो तुम्हें भी पता होना चाहिए था तुम्हें पता होना चाहिए था कन्फेशन इज अ सब्सटेंटिव एविडेंस राइट तो ट्रुथ मस्ट प्रिवेल नॉट टेक्निकलिटी इट इज अ क्यूरेबल डिफेक्ट ये डिफेक्ट बाय एप्लीकेशन और एप्लीकेशन में 463 में क्या कर लेंगे सिर्फ इस बात का एविडेंस लिया जाएगा एक्यूज तुम भी आओ प्रोसिक्यूशन तुम भी आओ प्रोसिक्यूशन तुम बताओ इनका प्रेजुडिस हुआ कि नहीं हुआ एक्यूज तुम बताओ क्या तुम प्रेजुडिस्ड हुए हो राइट बस इसी छोटे से सब्जेक्ट पे एविडेंस ले लिया जाएगा ये देखने के लिए कि वाकई क्या एक्यूज का जो अपने आप को बचाने का राइट था वो कहीं अफेक्टेड हुआ है क्या हैज ही बीन अफेक्टेड इफ यस देन इट इज कैनॉट बी क्योर्ड लेकिन इन सभी केसेस में कोर्ट ने यह पाया कि जहां पर स्टैट्यूटरी वार्निंग नहीं भी मिली थी दैट इज नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट एंड विल स्पीक ऑन हिज करियर ऑल्सो इट हैज टू हैव अ टेलिंग इफेक्ट ऑन हिज करियर द पुअर फेलो बट इफ इट डजंट कॉज एनी प्रेजुडिस एंड 99% चांसेस की डजंट कॉज एनी प्रेजुडिस एट ऑल सो इट कैन बी क्योर्ड राइट ये क्योरेबल डिफेक्ट है और इसे क्योर किया जा सकता है आखिरी क्वेश्चन कर लें कि कल करें Now, this is the last question. But anyways, let's stop because we all have agreed to have class tomorrow. So do you all have the link? No, we don't have offline class tomorrow. Tomorrow we will have only online class, 5 p.m. Right. I myself insist that classes should be conducted offline because I love taking classes offline. But only for tomorrow because I want to do the last question plus I want to do till 173 before we enter into new year
this chapter should be completed. And tomorrow it will be. So shall we meet tomorrow at 5 p.m.? Do you have the links? Yeah. Links aapke paas hai na? Nahi to Shweta ma'am ka number to hai, you can take the link. Shall you have a great evening now? Yes.